Hello everyone, welcome to Mahajan Virtuals. Here we are going to discuss the super rapid revision of income from salaries. Now, you all know that every head of income has one charging section. So for income from salaries, there is one charging section, that is section number 15. Section number 15 says, jo bhi tujhe paisa mil raha hai, if you want to categorize that income from salary, then there has to be employer-employee relationship. If there is no employer-employee relationship, ये income from salary में categorize नहीं होगा. Point number one. उसके बाद एक point है कि वो employer-employee relationship एक full time हो सकता है और part time हो सकता है. दोनों हो सकता है, कुछ भी problem नहीं है. This is point one. Point two. When is it taxable? Exactly ये tax कभी होगा income from salary? Very simple. It is taxable on due or receipt basis. इसका छोटा सा example समझो, due हो रहा है next year, next financial year, पर मुझे ये financial year में receive हुआ. So due कभी next financial year, receive कभी हुआ ये financial year में, whichever is earlier क्या होगा ये financial year में. So that is why even though it is not due but you have received, no, so government will collect tax on that. This is one point I wanted to discuss. इसीलिए मैंने example देके ये explain किया. This is the second point. Third point is, what if I receive the salary in advance? अभी just discuss किया. Next is foregoing of salary. मतलब मैंने salary लिया ही नहीं, 10 लाख का salary है, उसमें से 2 लाख मैंने forego किया. Then government is saying कि forego किया, ये employer ने बोला था क्या? नहीं. Government ने बोला था क्या? नहीं. तो तूने क्यों किया? By whatever reasons, if you forego, it is not the concern of the government. Government is saying 10 लाख मिलने वाला था, तूने 2 लाख तूने forego किया, इसीलिए government को 10 लाख पे tax चाहिए, 8 लाख पे नहीं भरना है. So here in case of foregoing of salary, it is always and always taxable. 10 लाख में से 8 लाख पे tax नहीं, 10 लाख के 10 लाख पे आपको tax भरना पड़ेगा. Next आता है surrender of salary. Usually ये government employees को applicable होता है. Government employees ने अगर उनका सैलरी से छोटा सा पार्ट सरेंडर किया, यानी 10 लाख है, 3 लाख सरेंडर किए, तो 10 लाख पे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा. इस पे टैक्स किस पे भरना, इधर टैक्स किस पे भरना पड़ेगा, इधर टैक्स भरना पड़ेगा ओनली ऑन 7 लाख रुपीस. हियर जो सरेंडर किया ना, दिस इज नॉट ट्रीटेड एज अ सैलरी, एकदम परफेक्ट है. नेक्स्ट आता हूं, एम्प्लॉयर बेयर्स द बर्डन ऑफ टैक्स. Taxable salary would be salary plus taxes borne by the employer. इसका मतलब सैलरी तो मुझे मिल रहा है, वो तो मैं टैक्स भरूंगा ही. अभी मेरे जो टैक्सेस थे ना, वो एम्प्लॉयर ने बेयर किए. मतलब कहने से मुझे इनडायरेक्टली बेनिफिट मिला. डेफिनेटली ये जो बेनिफिट मिला ना, वो भी मेरे हाथ में टैक्स होगा. जितना टैक्स मेरे एम्प्लॉयर ने बेयर किया है, उतना मेरे लिए बेनिफिट हुआ. Monetary benefit, indirect benefit हुआ ना, and that is why that benefit will also be taxed in my hands. वो मेरा salary माना जाएगा. Next is salary due and salary accrued are different. Salary due and salary accrued are different. Understand, मैं जो रोज काम कर रहा हूँ ना, वो जो कुर्सी गर्म करता हूँ ना मैं कंपनी में, तो salary every day accrue होता है, but जो due होता है ना, वो due next month के first day पे due होता है. वापस बोलता हूं, एवरी डे सैलरी अक्रू होता है, बट मुझे मिलता है क्या? नहीं, इट इज ड्यू इन द नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डे. सो दैट्स व्हाई सैलरी ड्यू एंड सैलरी अक्रूड आर डिफरेंट. समझा कि नहीं? ये थोड़ा सा मैं डिटेल में जाके एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये बेसिक पॉइंट है इसकी वजह से. बाद में आता है सैलरी पेड टू MPs एंड MLAs. ये सैलरी में फॉल नहीं होंगे, इट विल बी टैक्स्ड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ओके, नाउ वन थिंग जस्ट अंडरस्टैंड, नीचे का जो पूरा पार्ट है मैं तुझे 2 मिनट में समझाऊंगा और 2 लाइंस में समझाऊंगा. डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड एडवांस्ड अगेंस्ट एडवांस सैलरी एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी. एडवांस सैलरी मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 3 महीने का सैलरी मुझे अभी मिला. नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 3 महीने का सैलरी मुझे अभी मिला, देन इन दैट केस ये जो 3 महीने का सैलरी मुझे मिल रहा है, इट विल बी टैक्स्ड इन दिस फाइनेंशियल ईयर. 2 मिनट पहले देखा, ड्यू और रिसीट, विच एवर इज अर्लियर, बराबर है, सेम लॉजिक. बट जो दूसरा है ना, एडवांस अगेंस्ट सैलरी, इट विल बी कंसिडर्ड एज लोन. मतलब मैंने एम्प्लॉयर से लोन लिया है, और लोन कभी भी सैलरी जैसे ट्रीट होता है क्या? नहीं, वो जाता है बैलेंस शीट में, बराबर है. और इसके लिए एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज ट्रीटेड एज लोन, बट एडवांस सैलरी इज ट्रीटेड एज सैलरी ओनली. I hope you are clear with the basics of salary. Right hand side में मैंने calculation of income from salary लिखा है कि तेरा, अगर तूने कौन सा भी सैलरी स्लिप उठा के देखा ना, तो सैलरी स्लिप में ये सब तुझे पर्टिकुलर्स दिखेंगे. क्या क्या है ये?
बेसिक सैलरी, डियरनेस अलावेंस, कमीशन, बोनस, एडवांस सैलरी, ग्रेचुटी, पेंशन, ये सब कुछ चीजें हम लोग अभी 2 मिनट के बाद देखने वाले हैं इन डिटेल. परफेक्ट. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द सैलरी कॉम्पोनेंट्स इन डिटेल. द फर्स्ट वन इज बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी इज फुल्ली एंड फुल्ली टैक्सेबल. तो उसको वेजेस बोल, बेसिक सैलरी बोल या सैलरी बोल, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, उसको उस पर हमेशा टैक्स भरना पड़ेगा. सेकेंड, डियरनेस अलावेंस. डियरनेस अलावेंस क्यों दिया जाता है? डियरनेस अलावेंस इज गिवन जस्ट टू बीट द इन्फ्लेशन. इसके लिए यूजुअली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देते हैं. यूजुअली बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है डियरनेस अलावेंस जस्ट टू बीट द इन्फ्लेशन. ओके, ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट इज फुल्ली टैक्सेबल. इसमें दो टाइप्स के होते हैं, इन टर्म्स एंड नॉट इन टर्म्स. ये दोनों केसेस में टैक्सेबिलिटी परस्पेक्टिव से डियरनेस अलावेंस विल ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज टैक्सेबल. फर्स्ट देखा बेसिक फुल्ली टैक्सेबल. डियरनेस अलावेंस वो इन टर्म्स होने दो या नॉट इन टर्म्स होने दो, फर्क नहीं पड़ता है, वील हैव टू पे टैक्स ऑन बोथ. थर्ड वन इज कमीशन. कमीशन एग्जैक्टली क्या होता है? इट कैन बी अ टर्नओवर कमीशन और इट कैन बी एनी काइंड ऑफ कमीशन विच इज रिसीविंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर. देन इन दैट केस जो भी मुझे कमीशन मिल रहा है, दैट कमीशन विल बी फुल्ली एंड फुल्ली टैक्सेबल. कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. परफेक्ट. उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, बोनस. बोनस मतलब टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस. ये कभी भी ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होगा, ये हमेशा और हमेशा रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होगा. मतलब तुझे जब भी बोनस मिलेगा, जो फाइनेंशियल ईयर में बोनस मिलेगा, वो फाइनेंशियल ईयर का वो इनकम माना जाएगा. फिफ्थ है एडवांस सैलरी. हम लोग ने डिस्कस किया था एडवांस सैलरी. यूजुअली सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस. रिसीट पहले हुआ तो जो साल में रिसीव हुआ है वो साल में आपको टैक्स भरना पड़ेगा. परफेक्ट है. अरियर्स ऑफ सैलरी क्या होता है? अरियर्स ऑफ सैलरी मतलब कभी कभी रेट्रोस्पेक्टिवली सैलरी का अमेंडमेंट होता है. रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब ये फाइनेंशियल ईयर है, ये फाइनेंशियल ईयर में बोला मुझे दैट फ्रॉम जैन टिल दिस डेट आपका जो सैलरी था, फॉर एग्जाम्पल 50,000 सैलरी था तो आपको 50,000 मिला. 50,000 जो सैलरी था ना, वो अभी विथ इफेक्ट फ्रॉम जैन 2022 इट इज गोइंग टू बी वॉट 52,000. तो मुझे तभी मिला क्या 52,000? नो, मुझे आज मिलने वाला है विद इफेक्ट फ्रॉम जैन का, मतलब जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून. ये 6 महीने का 2,000 ज्यादा मुझे मिलेगा, मतलब टोटल 12,000 मुझे आज मिला. यस, देन इन दिस केस अरियर्स ऑफ सैलरी विल बी टैक्सेबल नॉट इन द पास्ट ईयर बट इन द करंट ईयर वेन एवर आई एम रिसीविंग दैट पर्टिकुलर अरियर्स ऑफ रेंट. एकदम क्लियर है? एडवांस सैलरी क्लियर, अरियर्स ऑफ रेंट एकदम क्लियर है. परफेक्ट है. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ग्रेचुइटी. ग्रेचुइटी एग्जैक्टली होता क्या है? इट इज बेसिकली अ वॉलंटरी पेमेंट विच इज मेड टू द एम्प्लॉई. क्यों किया जाता है? बिकॉज इतना अच्छा जबरदस्त काम कर रहा है एम्प्लॉई, रात रात बैठ रहा है, सुबह आके रात को निकल रहा है, तो इतना अच्छा काम कर रहा है, काम करते उसको थोड़ा अप्रिशिएट करते हैं. तालियां बिल्कुल नहीं बजाएंगे, बट उसको क्या देंगे? एक ग्रेचुइटी देंगे. ग्रेचुइटी कौन देता है? एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉई को. Now, if the employee receives the gratuity during the employment, then in that case, it is fully and fully taxable. अभी वो government employee हो या government employee ना हो, during the employment, अगर तुझे कुछ भी gratuity मिला, it is going to be taxable in your hands. एकदम क्लियर है. नाउ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, तुझे अगर कुछ भी ग्रेचुएटी मिला, तो इसमें दो पार्ट्स आते हैं. एक तो होता है एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट होंगे तो क्या, और अदर एम्प्लॉयज होंगे तो क्या. वापस अगर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिला, इट इज फुल्ली टैक्सेबल. अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ मिला, देन हम लोग देखेंगे. इनिशियली उन्होंने क्या बोला? अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डेथ मिला, इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट. बट उसमें थोड़े से कंडीशंस है. उसमें क्या है? एग्जेम्प्ट इज फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है. तुझे जितना ग्रेचुइटी मिलेगा ना, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है. बट अदर एम्प्लॉयज के लिए पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट नहीं है, थोड़ा सा पार्ट एग्जेम्प्ट है, और उस पर ही क्वेश्चन बन सकता है. करेक्ट है? ओके, नाउ अदर एम्प्लॉयज का एग्जैक्टली क्या पार्ट है? अदर एम्प्लॉयज में हम लोग वापस डिवाइड करेंगे दो पार्ट में. If whether that employee is getting covered under Payment of Gratuity Act or no. If that employee is getting covered under Payment of Gratuity Act, then हम लोग एक formula use करके exemption compute करेंगे. What is that formula भाई? ये discuss करने के पहले वापस मैं तुम लोग के ये video देखते देखते
तुम लोग का रिविजन ऐसा होना चाहिए कि वापस एक बार पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसीलिए मैं रिपीट करने वाला हूँ दो तीन बार, भले 10 मिनट ज्यादा हुआ तो भी चलेगा, बट दिमाग में बैठना इज माई प्रायोरिटी। ओके, एम्प्लॉयर इज गिविंग सम अमाउंट टू द एम्प्लॉई ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। अगर तुझे कुछ भी ग्रेचुटी मिला, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉई। सेकेंड इज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, अगर तुझे कुछ भी ग्रेचुटी मिला, देन इन दैट केस उन्होंने सीधा बोल दिया इट इज एग्जेम्प्ट। बट उसमें दो पार्ट्स है, एक अगर तू गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और तू नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। इफ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, नो प्रॉब्लम, लाइफ शॉर्ट है तेरा, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बट अगर तू अदर एम्प्लॉई है तो उसमें देख तू एम्प्लॉई पोगा वाला एम्प्लॉई है या नॉन पोगा वाला एम्प्लॉई है। अगर तू पोगा वाला एम्प्लॉई है तो एग्जेम्पशन का एक कंप्यूटेशन करेंगे, उतना एग्जेम्पशन होगा। नाउ पोगा एम्प्लॉई का एग्जेम्पशन कैसे कंप्यूट करेंगे, तीन पॉइंट्स है। एक, मैक्सिमम 20 लाख, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड सेकंड, एंड थर्ड वन इज 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। वापस एक महीने का सैलरी ले, सैलरी पर मंथ, पर ये पूरे महीने का सैलरी पे एग्जेम्पशन नहीं देना है, उनको 15 डेज के लिए देना है। तो इसीलिए 15/26, 26 क्यों किया, 15/30 क्यों नहीं किया, आधे महीने का ही देना है तो, बिकॉज 4-5 दिन लोग काम करते नहीं बिकॉज वो सैटरडे संडे की वजह से। इसीलिए ऐसे याद रखना 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ, मतलब एक महीने का सैलरी पर पूरा नहीं, आधा। आधा कैसे करेंगे, अपॉन टू नहीं, इंटू 15/26। तो मुझे क्या मिला, आधा महीने का सैलरी मिला। वो जो आधा महीने का सैलरी है ना, वो इंटू कर तू कितने साल तक कंपनी में काम कर रहा है। सो 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। सी, फर्स्ट पॉइंट में टेंशन नहीं है, 20 लाख है। सेकंड पॉइंट में टेंशन नहीं है, ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव कितना हुआ वो लिखना है। एंड थर्ड वन इज 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, विच एवर इज लोअर इज द वॉट इज द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन। इसका मतलब अगर मुझे 1 लाख रुपए ग्रेचुटी मिला होगा, इफ आई हैव रिसीव्ड 1 लाख रुपीज ऑफ ग्रेचुटी एंड द एग्जेम्पशन एज पर दिस प्रोविजन इज 80,000 रुपीज, देन पहले पर्टिकुलर्स रुपीज, ग्रेचुटी रिसीव्ड 1 लाख रुपीज इन इनर कॉलम, नीचे एग्जेम्पशन 80,000 रुपीज, विच मीन्स 20,000 रुपीज का ग्रेचुटी मेरे लिए टैक्सेबल होगा, 20,000 पे मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, वेन एवर यू डू द कंप्यूटेशन के टाइम पे पहले लिखो ग्रेचुटी रिसीव कितना हुआ, 1 लाख, माइनस क्या करूंगा, एग्जेम्पशन कैसे कंप्यूट करूंगा, वर्किंग नोट में ये लिखूंगा मैं, 1, 2, 3, इधर आंसर मिला, आंसर इज समझो 80,000, विच एवर इज लोअर, 80,000 लेके जाओ मेन आंसर में, माइनस करो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10-10, 80,000, 1 लाख माइनस 80,000, 20,000 इज गोइंग टू बी माई टैक्सेबल अमाउंट। आगे बढ़ते हैं, नॉट कवर्ड अंडर पोगा 1972, मतलब ये ऐसा एम्प्लॉय है जो पोगा में कवर्ड नहीं है। द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन इधर बहुत सिमिलर है, 1 is 20 lakhs, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और उधर 15/26 था ना, इधर क्या है, सीधा 1/2, इधर कुछ भी टेंशन नहीं है, सीधा 1/2, 1/2 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, विच एवर इज लोअर। लेफ्ट हैंड साइड में 15/26 था, राइट हैंड साइड में क्या है, 1/2। और एक फर्क है, यू विल से कि सर एक ही फर्क है, नहीं, इधर और एक फर्क है, एंड द फर्क इज सैलरी। सी, इधर लेफ्ट हैंड साइड में पोगा एम्प्लॉइज में लिखा है सैलरी पर मंथ, राइट हैंड साइड पे नॉन पोगा में क्या लिखा है, एवरेज सैलरी पर मंथ, इसमें फर्क है। इसका मतलब मुझे सैलरी का कंप्यूटेशन कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा, तो वो अलग तरीका कौन सा है वो हम लोग अभी समझने वाले हैं। सैलरी पर मंथ फॉर पोगा एम्प्लॉय, पोगा मतलब क्या, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में सैलरी जो है वो कैसे कंप्यूट करूंगा, लेटेस्ट बेसिक सैलरी पर मंथ, मतलब जो महीने में यू आर गेटिंग रिटायर्ड, बराबर ना, बिकॉज रिटायरमेंट का देख रहे थे ना हम लोग, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पे हम लोग नीचे पोगा और नॉन पोगा किया था। सो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो महीने में तेरा लेटेस्ट सैलरी है, मतलब पीछे का सैलरी, तेरा लेटेस्ट बेसिक सैलरी निकाल प्लस लेटेस्ट डियरनेस अलावेंस। अभी डियरनेस अलावेंस कैन बी इन टर्म्स नॉट इन टर्म्स, बोथ इसमें इंक्लूड होगा। आगे के बहुत सारे फॉर्मूला ऐसे है, फॉर्मूले उसमें लिखा है ओनली इन टर्म्स, बट इधर प्लीज याद रखना पोगा में इधर डियरनेस अलावेंस दोनों इंक्लूड होते हैं। सो बेसिकली सैलरी पर मंथ क्या आता है, सैलरी पर मंथ इज गोइंग टू बी लेटेस्ट बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस। इधर कमीशन आया क्या, इधर कमीशन नहीं आया।
ये जो मेरा होगा ना, दोनों जो अमाउंट मिला है मुझे, दैट इज गोइंग टू बी माई सैलरी पर मंथ. इसका मैं क्या करूंगा, इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस. ओके, नाउ इधर और एक पॉइंट है, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस कैसे कंप्यूट करते हैं. अगर कौन सा फ्रैक्शन हो तो नॉर्मली राउंड, नॉर्मल राउंड ऑफ करो, मतलब अपर राउंड ऑफ सिर्फ नहीं, नॉर्मल राउंड ऑफ कैसे करते हो वैसे. इसका मतलब क्या, 1 year 2 months होगा, मैंने सर्व किया कंपनी में 1 year 2 months, देन इन दैट केस इट विल बी राउंडेड ऑफ टू 1 year. 1 year 7 months होगा तो 2 years, 1 year 6 months होगा तो 1 year, तो लोअर राउंड ऑफ करो. ये पोगा के लिए याद रखना. अभी आगे बढ़ते हैं, जो नॉन पोगा था उसमें मैंने डिफरेंस बोला था. नॉन पोगा में इट इज एवरेज सैलरी पर मंथ. अब ये एवरेज क्या होता है, एवरेज मतलब एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 months. ऊपर क्या था, लेटेस्ट था, मतलब एक ही महीने का कंसिडर करना है. इधर भी एक्चुअली एक ही महीने का करना है, पर मुझे उसका एवरेज निकालना है 10 months का, 10 महीने का. सो एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 months, उसका एवरेज निकालो, प्लस एवरेज डियरनेस अलावेंस इन टर्म्स. वापस एवरेज डियरनेस अलावेंस इन टर्म्स, इधर नॉट इन टर्म्स नहीं है, इधर नॉट इन टर्म्स नहीं है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का ही सिर्फ डियरनेस अलावेंस इधर कंसिडर करूंगा ऑफ लास्ट 10 months. एवरेज टर्नओवर कमीशन ऑफ लास्ट 10 months, ये मेरा, मुझे तुम लोग बताओ कि ये जो अमाउंट होगा, दिस अमाउंट इज गोइंग टू बी 10 months का फिगर और 1 month का फिगर. वापिस एक मिनट देता हूं मैं. ये पूरा जो फिगर होगा, एवरेज बेसिक सैलरी, एवरेज डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स, एवरेज टर्नओवर कमीशन, ये 10 महीने का फिगर होगा या 1 महीने का फिगर होगा? कौन बोला 10 महीने का फिगर होगा? अरे भाई ये एवरेज लिखा है, एवरेज. एवरेज मतलब तुम लोग पहले ऐड करोगे और अपॉन 10 करोगे, ऐड करोगे अपॉन 10 करोगे. सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये मैं 1 महीने का ही कंसिडर कर रहा हूं, इट इज फॉर नॉन पोगा. सो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस कैसे कंप्यूट करेंगे, योर इग्नोर फ्रैक्शंस, मतलब 1 year 2 months होगा तो इट इज ओनली 1 year, 1 year 7 months होगा इट इज ओनली 1 year, 1 year 6 months होगा इट इज ओनली 1 year. इसके बेसिस पे हम सैलरी का कंप्यूटेशन करेंगे. अभी वापस मेरे साथ बताओ, मेरे साथ बोलो, फर्स्ट इज ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट क्या होगा. ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मुझे अगर ग्रेचुटी मिला, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल फॉर ऑल. अदर देन ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ इट इज एग्जेम्प्ट. बट एग्जेम्प्ट में वापस 2 parts है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है तो टोटली एग्जेम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है तो देखेंगे कि वो पोगा एम्प्लॉय है या नॉन पोगा एम्प्लॉय है. पोगा एम्प्लॉय है तो 3 parts, 20 lakhs एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड और 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस विच एवर इज लोअर. This is going to be the exemption. मैंने deliberately वो screen मैंने नहीं दिखाया because I want you to imagine कि exactly कैसे हो रहा है. और अगर non POGA employee होगा तो 20 lakhs का exemption same है. बाद में आता है तेरा actual gratuity received and third one is 1/2 into average salary per month into number of years of completion of service. And this is how you will do the computation of gratuity. इसके बाद immediately ये video pause करके examples देखना. I am sure that you will be able to crack each and every example. Okay. Let's move ahead with the pension. Pension exactly क्या होता है? Pension मतलब retirement के बाद जो तुझे थोड़ा जीने के लिए थोड़ा जो पैसा मिलता है वो होता है pension. That pension can be of 2 types. One can be commuted pension and second can be uncommuted pension. ये अनकम्यूटेड क्या होता है? अनकम्यूटेड मतलब पेंशन रिसीव्ड पीरियोडिकली, यूजुअली ईयरली, मतलब मुझे ईयरली थोड़ा 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 पेंशन मिलता जाता है, दिस इज अनकम्यूटेड पेंशन. एंड हमेशा याद रखना, जो पेंशन मुझे मिलता है वो पेंशन हमेशा, अगर वो अनकम्यूटेड होगा तो वो हमेशा टैक्सेबल होगा, वेदर आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इट डज नॉट मैटर. वो हमेशा और हमेशा मेरे हाथ में टैक्स हो जाएगा अगर वो अनकम्यूटेड पेंशन है. तो तुझे ना मे बी एग्जाम में नहीं देंगे कि ये कम्यूटेड है या अनकम्यूटेड है, तुझे समझना पड़ेगा और उसके लिए तुझे मालूम होना चाहिए कि अनकम्यूटेड का मतलब क्या है. अनकम्यूटेड मतलब जो ईयरली बेसिस पे मुझे मिलता है और टाइमली बेसिस पे मुझे मिलता है, दैट इज अनकम्यूटेड पेंशन. नेक्स्ट आता है कम्यूटेड पेंशन. कम्यूटेड पेंशन मतलब मुझे लमसम पेंशन का पैसा मिलता है. वो जो लमसम का पैसा मिलता है ना, दिस इज कम्यूटेड पेंशन एंड दिस इज यूजुअली एग्जेम्प्ट. बट इसमें भी वापस 2 parts है, अगर तू गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली और फुल्ली एग्जेम्प्ट है, और अगर तू अदर एम्प्लॉय है तो देख कि तुझे ग्रेचुटी रिसीव होता है और ग्रेचुटी रिसीव नहीं होता.
अगर तुझे ग्रेच्युटी रिसीव होता है देन अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन इज इक्वल टू, एक मिनट वापस, बिफोर दिस आई विल रिपीट दिस, पेंशन में दो पार्ट्स है, अनकम्यूटेड पेंशन है और कम्यूटेड पेंशन है. अनकम्यूटेड पेंशन फुल्ली टैक्सेबल, कम्यूटेड पेंशन में यूजुअली एग्जेम्प्ट, बट वापस गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा फुल्ली एग्जेम्प्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा फुल्ली एग्जेम्प्ट, एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इधर तक ना ग्रेच्युटी जैसा ही है, इधर तक ग्रेच्युटी जैसा ही है. वो अदर एम्प्लॉयज में उधर क्या था, उधर पोगा में फॉल हो रहा है कि नहीं वो देख रहे थे, इधर क्या है तुझे ग्रेच्युटी मिल रहा है कि नहीं. इफ यू आर रिसीविंग द ग्रेच्युटी द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन इज डिफरेंट, इफ यू आर नॉट रिसीविंग द ग्रेच्युटी द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन इज डिफरेंट. नाउ ग्रेच्युटी रिसीव्ड में अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन इज इक्वल टू टोटल पेंशन इंटू 1/3, जितना मुझे पेंशन मिला, मतलब कम्यूटेड अनकम्यूटेड दोनों एक साथ ला, एक साथ ला इंटू 1/3. This is going to be the amount of exemption for commuted pension. एक मिनट रुकता हूँ मैं, मतलब अगर मुझे टोटल पेंशन मिला होगा 1,00,000 रुपया, ये टोटल पेंशन मिला होगा, समझ टोटल कम्यूटेड पेंशन है 1,00,000 रुपया, ये इसके हिसाब से मुझे आंसर आया 70,000 रुपीज, मतलब 70,000 का एग्जेम्पशन तो मिल जाएगा बट मुझे 30,000 रुपीज पे टैक्स भरना पड़ेगा. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. नाउ द क्वेश्चन इज फुल अमाउंट ऑफ पेंशन निकाले कैसे, मतलब जो टोटल पेंशन बोला है ना वो कभी कभी नहीं दिया होता तो कैसे निकलते. देख तुझे कभी कभी क्या होता है कि कम्यूटेड पेंशन दिया होता है और वही कम्यूटेड पेंशन का परसेंटेज दिया होता है, मतलब टोटल पेंशन अगर तो कम्यूटेड पेंशन अगर 40,00,000 है, 40,000 है, 40,000, 40,000 इज द कम्यूटेड पेंशन एंड इट इज रिटन दैट इट इज 40% ऑफ द टोटल पेंशन. अरे मतलब 40,000 इज 40%, देन वॉट इज 100%? 1,00,000 रुपीज. सो 1,00,000 रुपीज कह रहे हैं इट इज गोइंग टू बी माई टोटल पेंशन. एब्सोल्यूटली. सो टोटल पेंशन इंटू 1/3 करने के बाद मुझे कम्यूटेड पेंशन के अदर एम्प्लॉयज का जिधर ग्रेच्युटी मिलता है उधर का मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगा. एंड ग्रेच्युटी नॉट रिसीव्ड अगर होगा तो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना होगा, टोटल पेंशन इंटू 1/2, टोटल पेंशन इंटू 1/2. सो ग्रेच्युटी रिसीव हो रहा है देन इट इज 1/3, ग्रेच्युटी रिसीव नहीं हो रहा है देन इट इज 1/2. सो ये सब कुछ होने के बाद, ये सब कुछ तुम लोग का एग्जेम्पशन फलाना ढिमकाना सब कुछ होने के बाद टोटल कम्यूटेड पेंशन कैसे होगा, टोटल पेंशन रिसीव जैसे मैंने बताया 1,00,000 रुपया, समझो टोटल कम्यूटेड पेंशन 1,00,000 रुपया है, माइनस पेंशन एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(10)(a), जितना एग्जेम्पशन उतना माइनस करूंगा, बाकी का अमाउंट इज गोइंग टू बी taxable as a commuted pension. But please understand here this is the taxable commuted pension. Please don't forget to add uncommuted pension for the final answer of pension, taxable pension. Ek minute, commuted pension ka taxable amount tum log ne nikala. Usually students forget to take the uncommuted pension because वो इतना मेहनत करते हैं commuted pension निकालते निकालते, उनको लगता है कि हाँ यार अपना तो इतना मेहनत किया तो इतना ही आंसर होगा, taxable करके लिख देते हैं. पर that is only commuted pension भाई, तुझे uncommuted pension भी add करना है and total taxable pension तुझे लिखना है. प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने बहुत सारे पेपर्स चेक किए हैं और वो पेपर्स में मैंने देखा है कि यार ये बहुत सिली मिस्टेक्स है. अंडरस्टैंड टैक्स में जो लोगों को कम मार्क्स मिलते हैं ना, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सिली मिस्टेक्स. यू बिलीव इट और नॉट, बट इट इज ड्यू टू द सिली मिस्टेक्स. मतलब इतने लोग सिली मिस्टेक्स करते हैं उसके हिसाब, और मैं नहीं बोल रहा हूं कि सिली मिस्टेक्स नहीं होते, मैं जब भी स्टूडेंट था तभी मेरे भी सिली मिस्टेक्स हुए हैं, बट वो सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. फॉर दैट यू नीड टू मेक सम मिस्टेक्स सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि मैं इसे आगे जाके सिली मिस्टेक्स नहीं करूंगा बिकॉज मैंने प्रैक्टिस के टाइम पे सिली मिस्टेक किए थे. प्लीज रिमेंबर दिस, यू हैव टू सॉल्व सम सम्स सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि ये मैं मिस्टेक करता हूँ. जब तक ऐसे लगता नहीं है ना कि शिट यार मैंने गलती किया ना, ये जो है ना ये दिमाग में जाना चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम यू विल बी केयरफुल व्हाइल डूइंग दैट मिस्टेक. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. स्पेशल नोट, जनरली स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन दिस, जनरली स्टूडेंट्स फॉरगेट टू कंसीडर द अनकम्यूटेड पेंशन आफ्टर द कंप्यूटेशन. ठीक है, एक नोट है, एन्युअली रिसीव्ड फ्रॉम अ पास्ट एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल एज अ प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी. मतलब एन्युइटी जो मुझे पास्ट एम्प्लॉयर से मिला,
मतलब मुझे अगर पुराने एम्प्लॉयर से कुछ भी पैसा मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ एन्युइटी, देन इट विल बी टैक्सेबल इन द फॉर्म ऑफ सैलरी. बट ये जो सैलरी है वो एक्चुअल सैलरी है क्या? नहीं. इज देर एनी एम्प्लॉयर 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 रिलेशनशिप राइट नाउ? देर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप राइट नाउ, बट इट इज रिसीव्ड, इट इज टैक्सेबल एज प्रॉफिट इन लीव ऑफ इंस्टेड ऑफ सैलरी. इट विल बी ट्रीटेड एज सैलरी. परफेक्ट है. तो ये मेरा पार्ट था पेंशन का. मैंने एक एग्जाम्पल दे के रखा है पेंशन पे. इफ यू सी एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑन पेंशन. आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल आफ्टर लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. एक बार पॉज करना, नोट्स खोलना, नोट्स में ये एग्जाम्पल होगा, मैंने नीचे जगह भी दिया है, नीचे एग्जाम्पल सॉल्व करना. इसके हिसाब से होगा क्या, यू विल नॉट जस्ट वॉच द रिविजन लेक्चर. सिर्फ देखना मत, देखना, सॉल्व करना, कॉन्फिडेंस गेन करना, धड़ाधड़ आगे जाना. बराबर है? ओके. सो द नेक्स्ट वन इज लीव सैलरी. लीव सैलरी को प्यार से वी कॉल इट लीव एनकैशमेंट. लीव एनकैशमेंट क्या होता है? से फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर हैज गिवन यू 60 डेज का लीव्स इन अ ईयर. मतलब अलाउ किया है उसने कि ये साल में तो 60 डेज का लीव ले सकता है ऑन पेपर. बट तुझे लगता है कि एम्प्लॉयर तुझे 60 डेज का लीव देगा? नहीं, उसने मुझे सिर्फ 20 दिन का लीव दिया आउट ऑफ 60 डेज इन द एंटायर ईयर. मुझे तो बता, कैन आई से 40 दिन का जो लीव्स के दिन पे मैंने जो काम किया है, आई कुड नॉट यूटिलाइज दोस 40 डेज. बट 40 दिन मैंने लीव लेना चाहिए था, बट स्टिल आई डिड नॉट यूटिलाइज. इसके लिए आई कैन गो टू द एम्प्लॉयर एंड आस्क फॉर द मनी और एनकैशमेंट ऑफ दोस पर्टिकुलर लीव्स. 40 दिन के लीव्स का मुझे एनकैशमेंट चाहिए बाबा, ऐसा मैंने मैंने एम्प्लॉयर को बताया. इसमें जो मुझे पैसा मिलेगा ना इन द फॉर्म ऑफ एनकैशमेंट, दैट इज गोइंग टू बी माय लीव सैलरी. और वही जो लीव सैलरी है उसके ही टैक्सेबिलिटी के हम बात कर रहे हैं. उन्होंने बोला इफ ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट यू आर रिसीविंग द लीव सैलरी, इट इज फुल्ली एंड फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉयज, बी इट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हमें फर्क नहीं पड़ता. ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट कुछ भी मिला, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल. बट अगर मुझे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर लीव सैलरी मिल रहा है, देन इन दैट केस इट विल बी एग्जेम्प्ट. बट कितना एग्जेम्प्ट होगा, क्या होगा, हम लोग अभी देखते हैं. एग्जेम्पशन के केस में अगर इफ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देन इट इज फुल्ली एंड फुल्ली एग्जेम्प्ट इन योर हैंड्स. बट अगर तू अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो तुझे थोड़ा सा अमाउंट ही एग्जेम्पशन का मिलेगा. इसका मतलब तुझे एक फॉर्मूला दिया है और फॉर्मूला के बेसिस पे तुझे एग्जेम्पशन कंप्यूट करना है. ओके. समझो मुझे पूरा लीव सैलरी मिला 1,00,000 का. एज पर दिस फॉर्मूला द आंसर इज 60,000 रुपीज, विच मीन्स 40,000 रुपीज इज गोइंग टू बी माई टैक्सेबल लीव सैलरी. नाउ वी विल अंडरस्टैंड वॉट इज द एग्जम्पशन अमाउंट. एग्जम्पशन अमाउंट में 4 पॉइंट्स है, उसमें से 2 पॉइंट्स एकदम ईजी है, उसमें से 2 पॉइंट्स, बाकी के 2 पॉइंट जो है वो उस पर थोड़ा कंप्यूट करना पड़ता है. फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जितना ग्रेचुटी मिला वो, ग्रेचुटी नहीं, जितना लीव सैलरी मिला वो. सेकेंड मैक्सिमम 3,00,000 रुपीज, ये 2 पॉइंट्स एकदम इजी. उसके नेक्स्ट 2 पॉइंट्स 3 and 4, लीव क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ. फोर्थ वन इज 10 मंथ्स इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ. इसमें हमें कंप्यूट करने जैसा क्या है? पॉइंट वन में इज देयर एनीथिंग टू कंप्यूट? नो. जो मुझे पैसा मिलेगा वो मैं एग्जेम्पशन के फॉर्मूला में डाल दूंगा. सेकेंड मैक्सिमम 3,00,000 में, 3,00,000 में इधर डाल दूंगा. फोर्थ वन, थर्ड वन इज व्हाट, लीव क्रेडिट, ये मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा. सेकेंड इज एवरेज सैलरी पर मंथ, ये मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा. इफ आई एम एबल टू कंप्यूट दीज टू पार्ट्स, नो, आई विल बी एबल टू कंप्यूट द एग्जेम्पशन अमाउंट. एकदम परफेक्ट है. नाउ विच एवर इज लोअर इज द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन. अभी हम लोग देखते हैं ये लीव क्रेडिट एग्जैक्टली क्या होता है. लीव क्रेडिट मतलब क्या, लीव क्रेडिट मतलब टोटल लीव्स अलाउड. ये मैं एक साल का बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल लीव्स अलाउड जितने साल यू आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, उतने साल कितना लीव तुझे अलाउ किया गया. मेरे एग्जाम्पल में क्या था, मेरे एग्जाम्पल में लीव्स अलाउड फॉर 1 year वाज 60. ऐसे 5 साल मैंने काम किया, अगर मैंने 5 साल काम किया तो कहने से लीव्स अलाउड इज 300 रुपीज. बराबर ना, 300 रुपीज. सो 300 रुपीज क्या बोल रहा हूं, अमित क्या कर रहा है यार, 300 रुपीज में 300 डेज. एक मिनट वापिस, एक साल में 60 डेज मिलते हैं, 60 डेज एक साल के है, तो ऐसे 5 साल कितने होते हैं, 5 साल मतलब 300 डेज. अगर वो 300 डेज का लीव्स है मेरे पास तो होता है लीव्स अलाउड. बट उन्होंने मुझे एक चीज बोला इधर, उन्होंने एक चीज बोला, इवन दो यू योर एम्प्लॉयर इज गिविंग यू 60 डेज, बट फॉर कैलकुलेशन पर्पस ऑफ दिस एग्जेम्पशन वी विल नॉट कंसिडर मोर देन 30 डेज एज लीव्स अलाउड.
वापस, तुझे एक्चुअली लीव्स कितने अलाउ हो रहे हैं, तुझे एक्चुअली लीव्स अलाउ हो रहे हैं 60, बट स्टिल वी विल नॉट कंसिडर 60, वी विल कंसिडर 30 ओनली. वी विल कंसिडर 30 ओनली वाइल कंप्यूटिंग लीव्स अलाउड. मतलब एक्चुअली तेरा कंप्यूटेशन क्या हो रहा था लीव्स अलाउड का, 60 डेज इंटू 5 ईयर्स, विच मीन्स 300 डेज. बट इधर ऐसा कंप्यूटेशन नहीं करेंगे, इधर कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, 60 नहीं 30 डेज, क्योंकि मैक्सिमम 30 डेज का मुझे लीव अलाउ होता है फॉर वन ईयर फॉर द कंप्यूटेशन. सो 30 डेज इंटू 5, विच मीन्स 150. सो टोटल लीव्स अलाउड इज गोइंग टू बी 150 माइनस लीव टेकन. 5 साल में मैंने कितना लीव्स लिए, मैंने 5 साल में कितने लीव्स लिए, समझो 5 साल में मैंने लीव्स लिए 90. सो 150 माइनस 90 विल बिकम 60. द लीव क्रेडिट इज 60 डेज. लीव क्रेडिट इज 60 डेज. ये जो डेज है वो पहले मंथ में कन्वर्ट करो, मंथ में कन्वर्ट करना है. 60 डेज मतलब कितने महीने होंगे, 60 अपॉन 30, मतलब दीज आर 2 मंथ्स. एंड 2 इज द लीव क्रेडिट, 2 इज द लीव क्रेडिट. वही 2 पॉइंट नंबर 3 में जाके सब्स्टिट्यूट कर ले. लीव क्रेडिट इज 2 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ, मतलब कहने से 2 महीने का सैलरी. So 2 months into average salary per month, मतलब ये 2 महीने का सैलरी हुआ कि नहीं भैया, perfect. So leave credit is 2 into average salary per month. ये मेरा आंसर आया. अभी हम लोग को देखना पड़ेगा कि average salary per month exactly क्या होता है. Leave credit में वापस समझा रहा हूँ, एकदम आराम से देखना. Leave credit मतलब leaves allowed. But leaves allowed में more than 30 होंगे तो हम लोग सिर्फ 30 ही consider करेंगे. हम लोग 30 ही सिर्फ कंसिडर करेंगे मोर देन 30 होंगे तो. अगर 25 होंगे तो पर ईयर 25 अलाउ कर रहा है तो क्या 25 कर कंसिडर, तो 25 इंटू 5 होगा, बराबर है. बट इधर 60 था ना, इसके लिए 60 इंटू 5 नहीं किया, इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 30, 30 इंटू 5 किया. दिस इज लीव्स अलाउड. लीव्स अलाउड माइनस लीव टेकन, कितना लीव तूने लिया, 90 डेज का लीव लिया. सो 150 माइनस 90 बिकम्स 60, मतलब 60 डेज का मुझे पैसा मिलना चाहिए बिकॉज 60 डेज मैंने वो सीट गर्म किया, बराबर के नहीं. बट 60 डेज है ना, वो 60 डेज को मुझे क्या करना है, पहले कन्वर्ट करना है मंथ में. सो 60 डेज अपॉन 30, इफ आई डू आई विल गेट द आंसर ऑफ 2 मंथ्स. सो 2 मंथ्स इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ. एकदम क्लियर है, मैं जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सका उतना अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है. आई होप यू आर क्लियर. अगर नहीं समझा होगा वापस थोड़ा रिवाइंड करो, वापस देखो, आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है ना, ओके. अभी समझते हैं एवरेज सैलरी पर मंथ क्या होता है. एवरेज सैलरी पर मंथ है फर्स्ट एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स. एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स. एग्जैक्टली हम लोग ने किधर किया था ये, इफ यू रिमेंबर, एग्जैक्टली हम लोग ने ये चीज किया था. याद कर ग्रेचुइटी में किया था. ग्रेचुइटी में नॉन पोगा एम्प्लॉयज के केस में हम लोग ने ये एवरेज सैलरी का पॉइंट किया था. सो एवरेज सैलरी पर मंथ इज एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स. एवरेज डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स ऑफ लास्ट 10 मंथ्स. इधर सिर्फ और सिर्फ इन टर्म्स होंगे, बाकी नहीं होंगे. ए नॉट इन टर्म्स विल नॉट बी कंसिडर्ड. थर्ड वन इज एवरेज टर्न ओवर कमीशन फॉर लास्ट 10 मंथ्स. ये तीनों में ऐड करूंगा, ये तीनों में ऐड करूंगा और वो जो मेरा आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी माई एवरेज सैलरी पर मंथ. ये मुझे वापस बताओ, ये जो सैलरी होगा, दिस सैलरी विल बी फॉर 10 मंथ्स और 1 मंथ. This salary will be 10 months or 1 month. It will be for 1 month only. Why? Because I am averaging it out. I am averaging it out. And that is why it will be for 1 month only and not for 10 months. एकदम clear है? Okay. अभी मुझे एक चीज तुम लोग को बताना है कि how to compute 10 months in case of gratuity और लीव इन एंड लीव एनकैशमेंट. अंडरस्टैंड, मैं पहले तुम लोग को वापस वो ग्रेचुइटी का फॉर्मूला दिखाता हूं. सी ग्रेचुइटी का जो फॉर्मूला है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखना, एवरेज सैलरी पर मंथ उसमें नॉन पोगा एम्प्लॉय था. उसमें क्या था, एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, एवरेज डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स फॉर लास्ट 10 मंथ्स एंड एवरेज टर्न ओवर कमीशन फॉर लास्ट 10 मंथ्स. एग्जैक्टली सेम है. बट इधर तुझे एक चीज अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ग्रेचुइटी में लास्ट 10 मंथ्स का मतलब क्या एंड लीव एनकैशमेंट में लास्ट 10 मंथ का मतलब क्या, कैसे इंटरप्रेट करना है. मैं थोड़ा डेप्थ में जा रहा हूँ समझाने के लिए, बिकॉज इस पे क्वेश्चन आया. इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस यू विल बी एबल टू क्रैक द क्वेश्चन. ठीक है, लीव एनकैशमेंट के केस में अगर रिटायरमेंट डेट है 15/6/2021, उधर के पीछे के 10 महीने विल एंड ऑन 15/8/2020. मतलब टेन्योर विल स्टार्ट फ्रॉम 15/8/2020.
टिल 15/6/2021, एकदम परफेक्ट। अभी मुझे सैलरी कंप्यूट करना है 10 महीने का, पर मैं कैसे कंप्यूट करूँ, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, अभी तुझे मंथ वाइज कंसिडर करना है। तुझे सैलरी कैसे मिलता है मंथ वाइज, तो तुझे 15/8/2020 से कंप्यूट करना है, तो तू मंथ वाइज करेगा। अगस्त में कितने महीने है तेरे पास, कितने दिन है तेरे पास, अगस्त में कितने दिन है, 15/2020 से लेके 31/2020, मतलब तेरे पास 16 डेज है, इधर 16 डेज है, बराबर है, ये 16 डेज हो गए। बाद में सितंबर पूरा महीना, अक्टूबर पूरा महीना, नवंबर पूरा, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई पूरा महीना, मतलब वो तो सैलरी तेरे पास हैंडी रहेगा जो दिया होगा, बराबर। और सिर्फ जून का जो महीना है ना, जून के महीने में पूरे महीने का मत लेना, जितने दिन यू आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन उतने दिन का सैलरी लेना। मतलब अगर अगस्त का सैलरी है, अगर अगस्त का सैलरी है 50,000 रुपीज, यू नॉट कंसिडर 50,000 into 16 by 31, बराबर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, तो पूरा सैलरी पूरा का पूरा ले ले 30 डेज का। उसके बाद जून का सैलरी अगर 50,000, तो 50,000 पूरा नहीं लेंगे, बिकॉज आई वॉज देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन ओनली फॉर 15 डेज, तो इसीलिए 50,000 into 15 by 30। तो ये मुझे 10 महीने का सैलरी मिलेगा, एंड दिस इज हाउ आई विल गेट द टोटल सैलरी फॉर लास्ट 10 मंथ्स, पर दिस इज फॉर 10 मंथ्स, मुझे एवरेज लेना है, इसलिए अपॉन क्या करूंगा, मैं अपॉन 10 करूंगा, आई विल गेट द एवरेज सैलरी पर मंथ। आई होप यू आर क्लियर। इस पे एज सच कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट कभी पूछ सकते हैं, इसके लिए मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करके तुम लोग को रख दिया। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस पे ना, इफ यू सी लीव सैलरी के बाजू में मैंने क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। मिस्टर गुप्ता रिटायर्ड ऑन 1/12/2021 आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ सर्विस एंड रिसीव्ड लीव सैलरी ऑफ 5 लाख्स। अदर डिटेल्स ऑफ ए सैलरी इनकम आर एज अंडर, मतलब 20 साल का सैलरी था। मुझे ना सिर्फ इधर आपको लीव क्रेडिट समझाना है, लीव क्रेडिट उतना ही मैं पार्ट करूंगा, बाकी मैं तुम लोग पे छोड़ूंगा। प्लीज डू दिस क्वेश्चन फॉर योर, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला 20 साल का सर्विस है, बोनस है ना, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, कमीशन बोनस, उसके नीचे एक पॉइंट है लीव्स अवेल्ड ड्यूरिंग सर्विस इज 480 डेज। बट एक्चुअली मैंने जो बोला था ना कि कितना अलाउ होता है, वो अलाउड उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, हम लोग कंसिडर करेंगे 30 डेज। सो ही वॉज एंटाइटल्ड 30 डेज लीव्स एवरी ईयर, ही वॉज एंटाइटल्ड 30 डेज लीव्स एवरी ईयर, मतलब ये अलाउड ही हुआ। अगर ये फॉर एग्जाम्पल नहीं है, तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि 30 डेज मैक्सिमम उसको लीव दिया है, अलाउड है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अलाउंसेस। अलाउंसेस एग्जैक्टली क्या होता है, वेन एवर एम्प्लॉयर गिव्स यू सम अमाउंट ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ अलाउंसेस, वो मेरे लिए इनकम होता है और इट शुड बी टैक्सेबल। बट उन्होंने थोड़ा सा एग्जेम्पशन दिया, अभी एग्जेम्पशन कैसे दिया, क्या दिया है, वो हम लोग ये पॉइंट में समझेंगे। नाउ द एग्जेम्पशंस आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। वन, एक अलाउंसेस आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट जो मैंने लाइट कलर में लिखा है, दोज आर द एग्जेम्पशंस उसपे, दोज आर द अलाउंसेस जिसपे पार्शियल एग्जेम्पशन मिलता है। सेकेंड कैटेगरी ऐसा है, तूने जितना स्पेंड करेगा उतना तुझे एग्जेम्पशन मिलेगा। एंड थर्ड कैटेगरी है अदर अलाउंसेस। अदर अलाउंस में मैं स्पेसिफिकली बोला है, जितना तुझे अमाउंट मिलेगा पैसा इन द फॉर्म ऑफ अलाउंसेस, दोज आर गोइंग टू बी टैक्सेबल विदाउट एनी एग्जेम्पशन, बराबर है। अभी ये सब याद रखने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी आता है, एंड दैट इज वाई आई हैव बिल्ट वन स्टोरी। ये स्टोरी समझ के, ये कुछ ऐसे बॉलीवुड मसाला जबरदस्त एकदम ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी तो नहीं है, बट ये मेरा वादा है कि आपको ये पूरा पॉइंट याद रहेगा अलॉन्ग विथ द फिगर्स। ओके, विल अंडरस्टैंड द स्टोरी। देर इज वन पर्सन कॉल्ड बंटी। बंटी इज ब्लाइंड, ही इज वर्किंग इन वन कंपनी कॉल्ड BEST, समझो एक BEST करके कंपनी। BEST क्या है, वो मुंबई का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, दैट इज BEST। ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ BEST जिसमें 10,000 एम्प्लॉयज आर वर्किंग, एंड ओनली 70% कम, only 70% come because of the COVID norms and everything. Barabar wapis, Bunty is blind. He is an employee of BEST. In that company, 10,000 employees are there and only 70% come to office. Okay. Bunty ne socha ek kaam karte, hum log acha education lete. That's why Bunty called for a cab. He paid 3,200 to that cab wala and he went to education institution. Education institution mein jaake usne pucha ki kitna paisa lagega admission ke liye. Usne bola, sir, sirf 100 rupaya. Sirf 100 रुपए लगेंगे। बोला क्या बात है यार, कितना सस्ता हो गया एजुकेशन। उसने 100 रुपए भर दिया। उसने बोला इधर कुछ रहने का इंतजाम हो सकता है क्या, कैन वी स्टे हियर। तो उसने बोला इधर से
200 मीटर्स पे, इधर से 200 मीटर्स पे देर इज वन ट्राइबल एरिया, उधर जाके आप रह सकते हो, अदरवाइज इधर ही नीचे, मतलब ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ना उधर ही नीचे अंडरग्राउंड उनका हॉस्टल है, उनका अंडरग्राउंड हॉस्टल है। अभी मैंने पूछा, मैंने सोचा एक्चुअली कि मैं ट्राइबल एरिया में जाऊँ या मैं अंडरग्राउंड हॉस्टल में जाऊँ, तो मैंने सोचा ठीक है एक बार हॉस्टल देख लेते हैं, इसीलिए मैं उसको पूछा कि हॉस्टल कैसे जाऊँ, तो उसने बोला आपको 800 स्टेप्स नीचे जाना पड़ेगा। कितना? 800 स्टेप्स अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा। मैं बोला चलो ठीक है, मैं 800 स्टेप्स अंडरग्राउंड गया। जाने के बाद वो रिसेप्शन पे पूछा मुझे हॉस्टल में एडमिशन लेना है, तो उसने बोला ठीक है। तो मैंने पूछा कितना, तो ही सेड कि 300 रुपीज। मैं बोला अरे एजुकेशन का 100 रुपीज और रहने का 300 रुपीज, ये कैसा हिसाब है? तो उसने बोला नहीं सर ऐसा ही है। तो मैं बोला अभी ठीक है, तो मैंने 300 रुपये उसको दे दिया। ये तेरा पूरा स्टोरी था। वापस आई विल रिपीट द स्टोरी। बंटी इज अ ब्लाइंड पर्सन, ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ BEST वेर 10,000 एम्प्लॉयज आर देयर, बट ओनली 70% कैपेसिटी पे पीपल कम टू ऑफिस। नाउ ही स्पेंट हाउ मच? 3,200 फॉर ट्रांसपोर्ट एंड वेंट टू दैट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। हाउ मच अमाउंट डिड ही पे टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? 100 रुपीज। मतलब वो 100 रुपीज स्पेंड करने के बाद उसने दो चीज पूछा, वो हॉस्टल में दो चीज सोचा, हॉस्टल में जाऊँ या ट्राइबल एरिया में जाऊँ। ट्राइबल एरिया में 200 मीटर्स दूर जाना पड़ेगा और हॉस्टल के लिए 800 स्टेप्स नीचे जाना पड़ेगा। बराबर है, 800 स्टेप्स नीचे जाना पड़ेगा। तो मैं 800 स्टेप नीचे गया एंड आई फाउंड द हॉस्टल। हॉस्टल में कितना फीस था? 300 रुपीज फीस था। ये तेरा पूरा का पूरा स्टोरी है फर्स्ट कैटेगरी का। नाउ वी विल अंडरस्टैंड ये कैसे यूज हुआ। देख, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन किधर था, कितना था एजुकेशन का फी? 100? नो, देखो मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। सेकंड इज हॉस्टल, हॉस्टल का क्या था, कितना फीस था? 300। सामने देखो, मैक्सिमम 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। उसके बाद कम्यूटेशन और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट के लिए उसने कितना पैसा दिया था कैब वाले को? 3,200 रुपीज। इधर लिखा है 3,200, बट 3,200 किसने स्पेंड किया था? एक ब्लाइंड पर्सन ने स्पेंड किया था। सो 3,200 विल बी एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ ब्लाइंड, डेफ, हैंडीकैप्ड और डम्ब। सिर्फ इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस एप्लीकेबल हो, एग्जेम्पशन एप्लीकेबल होता है। अगर मैं ब्लाइंड नहीं हूँ, डेफ नहीं हूँ, हैंडीकैप नहीं हूँ, देन इन दैट केस मुझे जो भी अलाउंस मिलेगा इट विल बी टैक्सेबल। परफेक्ट है। उसके बाद है अंडरग्राउंड अलाउंस, मैक्सिमम 800 पर मंथ। अंडरग्राउंड में कितना स्टेप्स नीचे गया था? 800 स्टेप्स नीचे गया था। ट्राइबल एरिया अलाउंस, ट्राइबल एरिया इधर से कितना दूर था? 200 मीटर्स था, मतलब इधर क्या, मैक्सिमम 200 पर मंथ। अलाउंस ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, BEST क्या है? ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है। बंटी कौन था? उसका एम्प्लॉय था। वो पर्टिकुलर कंपनी में कितने लोग काम कर रहे थे? 10,000। एंड कितने लोग आते थे? 70%। आगे देखो, 70% ऑफ अलाउंस और 10,000 रुपीज पर मंथ, विच एवर इज लोअर। सबको समझा कि नहीं? ये एटलीस्ट इतना पार्ट, एटलीस्ट ऊपर का पार्ट, तुझे एजुकेशन बोला तो 100 ही आना चाहिए, हॉस्टल बोला तो 300 ही आना चाहिए, ट्रांसपोर्ट बोला तो कैब वाले को उसने 3,200 दिया था वो ही आना चाहिए, अंडरग्राउंड नीचे में 800 स्टेप्स गया था तो वो ही आना चाहिए, ट्राइबल 200 मीटर दूर था, एम्प्लॉय किसका था? ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग का एम्प्लॉय था, उस पर 10,000 एम्प्लॉयज थे विद 70% कैपेसिटी। एकदम क्लियर है। उसके बाद एक एक्सेप्शन याद रखना, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे दिस विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर अ डेफ, हैंडीकैप्ड, डम पर्सन, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एनीबॉडी एल्स। ओके, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, उसका नाम है HRA। HRA इज हाउस रेंट अलाउंस, इट विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(13A). अभी कितना एग्जेम्प्शन है वो देखते हैं। अगर मुझे एम्प्लॉयर से HRA मिल रहा है तो उस पर एग्जेम्प्शन कितना मिलेगा? 40% or 50% ऑफ सैलरी। अभी 40 और 50 क्या है? उन्होंने बोला कि तू कौन से सिटी में तेरा घर है उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ मेट्रो सिटी, इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ मेट्रो सिटी, मतलब कौन से मेट्रो सिटीज? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। ये 4 स्पेसिफिक मेट्रो सिटीज बोले उन्होंने, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। इफ़ यू आर स्टेइंग योर, देन इट विल बी 50% ऑफ सैलरी। नाउ व्हाट इज सैलरी? एकदम दिमाग में फिक्स करना, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, इन टर्म्स एंड टर्नओवर कमीशन, ये ऐड करना, दिस विल बी सैलरी उसका 50%। जितना एक्चुअल रेंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, सॉरी रेंट नहीं, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। एंड थर्ड वन इज एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ये पॉइंट रट लेना।
ये पॉइंट रेड बिकॉज ये तो तुझे याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हम, बराबर है। सो 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ मेट्रो, 40% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ नॉन मेट्रो, बाद में है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एंड थर्ड वन इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर इज द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन। And this is how we are done with the first category of allowances. The second category is very easy. Second category का मेरे पास एक okay, वे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद I will tell you कि exactly क्या मेरे पास shortcut है. Traveling or tour allowance, conveyance allowance, uniform allowance, daily allowance, helper allowance, research allowance और academy allowance. ये सब का मुझे exemption मिलेगा on the basis of amount spent. मतलब 1,00,000 रुपए मुझे मिला पर मैंने spend किया सिर्फ 70,000, तो मुझे exemption सिर्फ 70,000 का ही मिलेगा. एकदम क्लियर है, ओके। अभी HDR cut is the short form of this. HDR cut, CUT. H मतलब क्या? Helper allowance. D मतलब क्या? Daily allowance. HDR. R मतलब क्या? Research allowance. Then HDR cut. C मतलब क्या? Conveyance allowance. U मतलब uniform allowance. And T मतलब traveling और tour allowance. ये सब इधर fall हो जाएंगे. HDR cut amount actually spent. जो ऊपर का स्टोरी था दैट वाज एप्लीकेबल वेन एवर यू विल गेट सम पार्शियल अमाउंट एज एग्जेम्पशन, और ये सब एग्जेम्पशंस छोड़ के जो भी कुछ अलावेंसेस है वो सब के सब अलावेंस टैक्सेबल हो जाएंगे। मतलब तुझे दुनिया में कौन से भी अलावेंस का नाम दिया तो पहले देख कि हमारे स्टोरी में या HDR कट में फॉल हो रहा है क्या। अगर ये स्टोरी में और HDR कट में फॉल नहीं हो रहा है देन इट इज ऑलवेज टैक्सेबल, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज टैक्सेबल। ये होने के बाद मैंने राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट्स नोट्स करके एक पॉइंट लिखा है, वो स्टूडेंट्स नोट पे हम लोग ने जो स्टोरी मैंने जो स्टोरी हम लोग आपको एक्सप्लेन किया वो पॉज करके प्लीज इधर लिखना सो दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर एवरीथिंग वाइल गोइंग फॉर द एग्जाम, ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट इज प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में तीन पार्ट्स है, एक है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, सेकंड वन इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एंड द थर्ड वन इज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में आई विल फर्स्ट स्टार्ट विद एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर मी, आई एम द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर ने मेरे लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया इन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट इन माई हैंड्स। ये मैं एग्जेम्पशन क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज एम्प्लॉयर ने मेरे लिए कुछ तो मुझे कुछ तो बेनिफिट दिया ना, मेरे लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया, सो इट शुड बी टैक्सेबल इन माई हैंड्स बिकॉज इट इज अ बेनिफिट, बट नो इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, स्पेसिफिकली इधर बोल दिया। अगर मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉई ने कुछ कंट्रीब्यूट किया इन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, मुझे उसका ATC में डिडक्शन मिल जाएगा, मुझे उसका ATC में डिडक्शन मिल जाएगा। अभी SPF में जो इंटरेस्ट अक्रू होगा, जो इंटरेस्ट जनरेट होगा उस पर भी कुछ भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बट अभी जो लमसम अमाउंट रिटायरमेंट के टाइम पे जब भी मुझे फंड से मिलेगा उसके वो टाइम पे टैक्स लगेगा क्या, वो टाइम पे भी टैक्स नहीं लगेगा, इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इज एकदम क्लियर, एम्प्लॉयर ने जो मेरे लिए किया इट विल बी एग्जेम्प्ट, मैंने जो SPF में डाला उस पर मुझे डिडक्शन मिल जाएगा, ये SPF में जो इंटरेस्ट जनरेट होगा इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, रिटायरमेंट के टाइम पे जो लमसम अमाउंट मिलेगा उस पर भी एक भी रुपए का टैक्स भरने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज अ फंड विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में जो रिकॉग्नाइज किया है दैट फंड इज RPF। RPF में अगर एम्प्लॉयर ने मेरे लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट किया तो एग्जम्पशन तो मिल जाता है, बट इट इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 12% ऑफ सैलरी। सैलरी मतलब बेसिक प्लस DA इन टर्म्स एंड टर्नओवर कमीशन, उतना ही सिर्फ मुझे एग्जम्पशन मिलेगा, बाकी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। बाद में आता है एम्प्लॉई ने कुछ कंट्रीब्यूट किया, देन इन दैट केस एम्प्लॉई को उसका ATC में डिडक्शन मिल जाएगा, ओके। उसपे जो इंटरेस्ट जनरेट होगा, उसपे जो इंटरेस्ट जनरेट होगा RPF के बैलेंस पे, वो इंटरेस्ट का भी मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बट दैट एग्जेम्पशन विल बी टू द एक्सटेंट ऑफ 9.5%। एग्जाम में कभी कभी दिया जाता है दैट टोटल इंटरेस्ट अर्नड इज 12,000 रुपीज एंड द इंटरेस्ट रेट वॉज 12%, समझ लेना 9.5% तक इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, एंड दैट इज वाई अगर 12% 12,000 है तो 9.5 कितना होगा, 9,500, सो 9,500 विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, और बाकी का 2,500 विल बी टैक्सेबल, बाकी का 2,500 इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, परफेक्ट है। अभी रिसेंटली एक पॉइंट आया था, अभी ओके, उसके पहले जो लमसम अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो मुझे लमसम अमाउंट मिलता है दैट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट इन माई हैंड्स, बट इसमें कुछ अमेंडमेंट आया था और वो अमेंडमेंट में बोला था ये जो लमसम अमाउंट मिल रहा है इसमें जो एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन है
इफ इट इज मोर देन 2,50,000, तो जब भी मुझे लमसम अमाउंट मिलेगा तो अप टू 2,50,000 देर इज नो टैक्स, बट जो 2,50,000 के ऊपर है, जो 3 लाख रुपए अगर मुझे मिला, तो 2,50,000 पे मुझे टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। ऊपर का 50,000 है जो मेरा ही कॉन्ट्रीब्यूशन था, मैंने 3 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किया था एट द टाइम ऑफ लमसम, लमसम जब भी मुझे पैसा मिला तभी 3 लाख मुझे अगर मिला होगा, देन इन दैट केस 2,50,000 पे नो टैक्स, ऊपर के 50,000 पे मुझे टैक्स लगेगा। इन द करंट सिचुएशन अगर एम्प्लॉयर मेरे लिए कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है, देन इन दैट केस 2,50,000 का लिमिट विल बी इंक्रीज्ड टू 5 लाख रुपीज, सो देर इज नो टैक्स अप टू 5 लाख्स। 5 लाख्स के ऊपर अगर मेरा कौन सा एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। एकदम क्लियर है, दिस इज योर रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। उसके बाद आता है अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज अ प्रोविडेंट फंड विच इज नॉट रिकग्नाइज्ड बाय सीआईटी। इसमें जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है, इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूट करता है, उस पर यूजुअली मुझे एटीसी का डिडक्शन मिलता है, बट इधर मुझे एटीसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इस पर मुझे जो इंटरेस्ट कंप्यूट होता है वो इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट हो जाता है। ये मेरा है यूआरपीएफ, बट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो मुझे लमसम अमाउंट मिलेगा उसके टाइम, वो टाइम पे कुछ टैक्स लगेगा क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, देखो कैसे होगा, अगर वो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय को वापस मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो अमाउंट विल बी इग्नोर्ड एज इट इज ऑलरेडी कंसिडर्ड। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉय ने जो कॉन्ट्रीब्यूट किया था उस पर जो इंटरेस्ट आया, एम्प्लॉय ने जो कॉन्ट्रीब्यूट किया था उस पर जो इंटरेस्ट आया, वो टैक्स होगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे लिए था, पहले उन्होंने एग्जेम्प्ट किया, बट जब भी तुम लोग लमसम अमाउंट विड्रॉ करो, लमसम अमाउंट जब भी मैच्योरिटी के टाइम पे मिलेगा, इट विल बी टैक्सेबल एज सैलरी, एंड जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एज सैलरी। दिस इज योर अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अभी ये जो रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड था ना, उसमें और एक पॉइंट मैंने डिस्कस करना रह गया मेरा। लमसम अमाउंट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज एग्जेम्प्ट ओनली इफ द एम्प्लॉय हैज रेंडर्ड द सर्विस ऑफ मोर देन 5 years, इक्वल टू और मोर देन 5 years। जो ऊपर जो लमसम अमाउंट का बात किया ना, एग्जेम्प्शन है 10-12 में, ये एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10-12 जो हम लोग ने बात किया था, एग्जेम्प्शन अंडर सेक्शन 10-12 में मुझे एग्जेम्प्शन कभी मिलेगा, वेन एवर आई हैव सर्वड एटलीस्ट 5 years इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। 5 साल मेरे अगर नहीं हुए हैं इन दैट कंपनी, देन इन दैट केस जो भी मुझे पैसा मिलेगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मतलब लमसम अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तभी मुझे उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। बट देर कैन बी सम जेन्युइन केसेस, वो जेन्युइन केसेस में आई हैव टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन विद इन 5 years। तो वो अगर जेन्युइन केसेस में इफ आई एम फॉलिंग, तो इवन दो 5 years हैव नॉट कंप्लीटेड, बट स्टिल ओके 5 years हैव नॉट कंप्लीटेड, स्टिल आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्सेस। ओके, यूजुअली क्या है, अगर जो लमसम अमाउंट मुझे मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे, अगर मैंने 5 साल कंपनी में सर्व किया है, तो मुझे जो पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट इफ आई हैव सर्व्ड मोर लेस देन 5 years, इफ आई हैव सर्व्ड लेस देन 5 years, देन इन दैट केस मेरे हाथ में वो टैक्स हो जाएगा। बट इफ आई एम फॉलिंग अंडर दोज जेन्युइन केसेस, देन इन दैट केस इवन दो आई हैव नॉट सर्व्ड एंटायर 5 years, बट स्टिल मेरे हाथ में वो टैक्स नहीं होगा। तो ये जेन्युइन केसेस कौन से है? वो जेन्युइन केसेस है, आई रिटायर्ड ड्यू टू शट डाउन ऑफ एम्प्लॉयर्स बिजनेस, मतलब एम्प्लॉयर का बिजनेस ही शट डाउन हुआ, तो क्या रोज में जाके वो खाली जगह पे जाके बैठू गया कि 5 साल मुझे कंप्लीट करना है, नहीं कि नहीं। सो इधर ये तो पॉइंट बहुत ही ज्यादा जेन्युइन है, इसीलिए इवन दो आई हैव नॉट सर्व एंटायर 5 years, बट स्टिल आई वॉट एवर अमाउंट आई एम गेटिंग, इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सेकेंड, एम्प्लॉय रिटायर ड्यू टू इल हेल्थ की वजह से आई हैव टू रिटायर, ये भी जेन्युइन रीजन है। Employee has retired with the instruction that his balance in the RPF should be transferred to the new employer or NPS account under section 80CCD. मतलब मैं employment change कर रहा हूँ, एक employer से दूसरे employer के पास जा रहा हूँ, at the time of shifting मैं specifically बताया कि ये employer के पास मैं नहीं हूँ, पर मैं दूसरे employer के पास जा रहा हूँ ना, so please ये जो balance है ना, वो balance transfer करना। अभी जो ट्रांसफर है, मैं बोल सकता हूँ कि नए एम्प्लॉयर के पास ट्रांसफर करना, और प्लीज ट्रांसफर दिस बैलेंस टू माय एनपीएस अकाउंट जो 80CCD में मेंशन किया है। ओके, एकदम क्लियर है। ये जो पॉइंट है, ये प्रोविडेंट फंड का पॉइंट है।
Here we discussed 3 points: statutory provident fund, recognized provident fund, and unrecognized provident fund. The next one is voluntary retirement scheme. Usually this is applicable only for government employees. अभी exactly जो भी मुझे पैसा मिलता है ना VRS से, usually it is taxable, but थोड़ा सा exemption उन्होंने दे दिया है. अभी exemption के लिए तुझे ये तो याद रखना ही पड़ेगा, मतलब रट्टा ही मारना पड़ेगा, you can say. इसमें 4 points है: एक actual amount received, second maximum 5 lakhs, third salary per month into 3 months into number of years of completion of service. इसमें ignore the fraction. Fraction को इधर ignore करना, मतलब if you have served 2 years 3 months, consider only 2 years here. Salary per month into 3 months, मतलब 3 महीने का salary into तूने ऐसे कितने साल बिताए company में, वो into कर, you'll get the amount of third point. Fourth one is salary per month into number of remaining months of service. मतलब VRS कभी लिया जाता है, जब भी tenure complete होने के पहले you are taking a retirement. 4 महीने सर्व करने बाकी थे, बट यू हैव टेकन द रिटायरमेंट वॉलेंटरीली, देन इन दैट केस 4 महीने रिमेनिंग थे, राइट? सो ये 4 महीने इधर सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे. सो सैलरी पर मंथ इनटू नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस, दैट इज 4 मंथ्स, करेक्ट? विच एवर इज लोअर इज द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन. अभी सैलरी मतलब क्या, सैलरी सबके लिए जो सेम है वही है इधर भी, बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन. एकदम क्लियर है, दिस इज VRS. नेक्स्ट इज सुपर एन्युएशन फंड. सुपर एन्युएशन फंड इज वेरी मच सिमिलर टू योर प्रोविडेंट फंड, बट प्रोविडेंट फंड में मंथली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, बट सुपर एन्युएशन फंड में एन्युअली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. इसमें भी देर आर 2 पॉइंट्स: एक है अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड एंड सेकेंड इज अनअप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड. अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, एम्प्लॉयर जो कॉन्ट्रीब्यूट करता है फॉर द एम्प्लॉई, वो 7,50,000 तक एग्जम्प्ट होता है, उसके ऊपर टैक्सेबल होता है. बट इस पे हम थोड़े टाइम के बाद चर्चा करेंगे. उसके बाद एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है उसको ATC में डिडक्शन मिल जाता है, उसको ATC में डिडक्शन मिल जाता है. अभी ये जो अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड का जो इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट भी थोड़े अमाउंट तक एग्जम्प्ट होता है और उसके ऊपर टैक्सेबल होता है. पर ये दोनों पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे इन सम टाइम, बिकॉज उधर हम लोग थोड़े डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, नाउ अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड का जो लमसम अमाउंट मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसके टैक्सेबिलिटी का क्या, वो एग्जम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1013. एकदम क्लियर है, ये हो गया तेरा सुपर अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड. नीचे आता है अनअप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड. इसमें लिखा है सेम ट्रीटमेंट एज अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, मतलब उधर जो ट्रीटमेंट था सेम ट्रीटमेंट इधर भी एप्लीकेबल हो जाएगा. आगे जाता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन. कौन से एम्प्लॉय को लात मार के बाहर निकाला, कौन से एम्प्लॉय को लत मार के बाहर निकाला, तो उसको ऐसा ही लत मार के बाहर नहीं निकाल सकते, यू हैव टू पे सम कंपनसेशन. दैट इज कॉल्ड, अच्छा मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि उसको रिट्रेंचमेंट बोलेंगे, लत नहीं, लत मारा ऐसे नहीं बोलेंगे, वी विल कॉल इट रिट्रेंचमेंट. रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन जो दिया जाता है, एक्चुअली उसके हाथ में वो उस पर टैक्स लगता है, बट उसको थोड़ा सा एग्जेम्पशन मिल जाएगा. वॉट इज दैट एग्जेम्पशन? कंपनसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, उसके हिसाब से जो कंप्यूटेशन आता है वो, और 50 lakhs, विच एवर इज लोअर. ओके, अभी ये जो कंपेंसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है वो किधर लिखा है, नीचे लिखा है 15/26. ये किधर तो देखा हुआ लग रहा है, 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स, लास्ट 10 मंथ्स नहीं है, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस. इसमें इफ द फ्रैक्शन इज मोर देन 6 मंथ्स देन राउंड ऑफ, मतलब आई हैव served 3 years and 11 months in that company, consider 4 years. Consider 4 years. I have served 3 years and 1 month in the company, consider only 3 years. एकदम क्लियर है, इस पर तुझे थोड़ा रट्टा मारना ही पड़ेगा. इसमें सैलरी का मतलब क्या, सैलरी इज बेसिक प्लस DA इन टर्म्स प्लस टर्न ओवर कमीशन. एंड दिस इज हाउ वी आर डन विथ द सैलरी के ऑल द पॉइंट्स एक्सेप्ट फॉर परक्विजिट. अभी परक्विजिट करेंगे आराम से, बट परक्विजिट छोड़ के जो जो पॉइंट सैलरी में थे वो हम लोग ने अच्छे से कवर कर दिया है. लेट्स डिस्कस द परक्विजिट्स नाउ. परक्विजिट्स मतलब क्या, परक्विजिट्स मतलब व्हेनेवर एम्प्लॉयर इज गिविंग सम नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉई, वो होता है परक्विजिट्स. ये परक्विजिट के कौन से पॉइंट्स हम लोग देखते हैं. द फर्स्ट वन इज लीव ट्रैवल कंसेशन. जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घूमने के लिए पैसा देता है, देन दैट पॉइंट और दैट बेनिफिट इज नोन एज लीव ट्रैवल कंसेशन. अभी इफ, एकदम अच्छे से ध्यान देना, इफ यू हैव ट्रैवल्ड बाय एयर, इफ यू हैव ट्रैवल्ड बाय एयर,
इफ यू हैव ट्रैवल्ड बाय एयर देन इन दैट केस एग्जम्पशन कितना मिलेगा? इन दैट केस एग्जम्पशन मिलेगा जितना आपने स्पेंड किया और इकोनॉमी क्लास फेयर विच एवर इज लोअर. जितना आपने स्पेंड किया और इकोनॉमी क्लास फेयर विच एवर इज लोअर दैट विल बी द अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन. इसका मतलब अगर मुझे टोटल परक्विजिट मिला है 1,00,000 रुपए का और ये इसके हिसाब से आंसर आता है 70,000 रुपीज, विच मीन्स 70,000 इज एग्जेम्प्ट एंड 30,000 विल बी टैक्सेबल परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 17. ओके, तो ये मोड क्या है? एयर. नाउ पॉइंट नंबर 2, बाय एनी अदर मोड, मतलब आपने अगर एयर से ट्रैवल किया तो ऊपर का पॉइंट, बाय एनी अदर मोड से किया तो पहला देखो कि उधर पहले रेल सर्विस अवेलेबल है क्या. आप कैसे भी ट्रैवल करो पर हम लोग पहले क्या देखेंगे, उधर रेल सर्विस अवेलेबल है क्या. इफ द रेल सर्विस इज अवेलेबल टू दैट डेस्टिनेशन देन इन दैट केस एग्जम्पशन इज गोइंग टू बी एक्चुअल एक्सपेंडिचर और इकोनॉमिक क्लास फेयर विच एवर इज लोअर का मुझे एग्जम्पशन मिल जाएगा. पॉइंट नंबर 2, सर उधर रेल सर्विस अवेलेबल नहीं है, रेल सर्विस इज नॉट अवेलेबल, देन इन दैट केस देखो कि उधर रिकग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है क्या. अगर रिकग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है देन एक्चुअल एक्सपेंडिचर और डीलक्स क्लास बस फेयर विच एवर इज लोअर विल बी द अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन. ओके, बट सर उधर रिकग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है, देन इन दैट केस इफ नो रिकग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अवेलेबल देन एक्चुअल एक्सपेंडिचर और फर्स्ट क्लास रेलवे फेयर ऑफ सिमिलर डिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल मुंबई से लेके स्पिति वैली, मतलब जो स्पिति वैली एक हिमाचल में देर इज वन प्लेस स्पिति वैली, उधर जाने के लिए मैं आई डिड नॉट गो बाय एयर, आई वेंट बाय सम एनी अदर मोड. इन दैट केस पहले देख के उसमें रेल सर्विस अवेलेबल है क्या, रेल सर्विस अवेलेबल नहीं है. देख के रिकग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है क्या, रिकग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है. देन इन दैट केस एक काम कर, यू फर्स्ट कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई टू स्पिति वैली. से फॉर एग्जाम्पल इट इज 1,000 किलोमीटर्स. इफ इट इज 1,000 किलोमीटर्स एंड इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई एनीथिंग, तो ऐसा देख, तो ऐसा डेस्टिनेशन देख जो मुंबई से 1,000 किलोमीटर्स दूर है, जिधर रेल फैसिलिटी अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल मुंबई से कन्याकुमारी इज 1,000 किलोमीटर्स. तो मेरे अभी कुछ तो स्टैंडर्ड चाहिए ना, तो इसीलिए मुंबई टू स्पीति नहीं कंसिडर कर सकते, नहीं आइडेंटिफाई कर सकते. तो एक काम कर, सिमिलर डिस्टेंस का डेस्टिनेशन देख. वो सिमिलर डिस्टेंस के डेस्टिनेशन पे अगर इफ यू गो बाय ट्रेन बाय फर्स्ट क्लास, तुझे तेरा कितना खर्चा होगा, दैट खर्चा यू विल कंपेयर विथ योर एक्चुअल एक्सपेंडिचर. विच एवर इज लोअर विल बी माई अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन. एकदम क्लियर है? अगेन, if the mode is air then actual expenditure or economy class fare whichever is lower. If the mode is other than air to pehle dekho udhar railway facility available hai ya nahi hai. Agar railway facility available hai then in that case actual expenditure or economy class fare whichever is lower. Agar railway facility available nahi hai then in that case recognized transport facility available hai kya wo dekho. Agar hai to deluxe class bus fare ka fare le lo. एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर. और अगर रिकग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो देखो ना इधर कैसा है, ट्रेन भी अवेलेबल नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. तो हम लोग एक्चुअल एक्सपेंडिचर के साथ कंपेयर किसको करेंगे? गवर्नमेंट नीड्स समथिंग एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट, व्हाट डिड गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम कर, जिधर तेरा एक्चुअल डेस्टिनेशन है वो मुंबई से कितना दूर है, वो मुंबई से दूर है 1,000 किलोमीटर. तो तू ऐसा डेस्टिनेशन देख जिधर ट्रेन जाता है एंड विच इज 1,000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मुंबई, समझो कन्याकुमारी. तो गवर्नमेंट ओनली फॉर द कैलकुलेशन पर्पज विल कंसिडर द फर्स्ट क्लास रेलवे फेयर ऑफ द सिमिलर डिस्टेंस एंड इट विल कंपेयर विद माई एक्चुअल एक्सपेंडिचर टू स्पिति वैली. कंपेरिजन होके लोअर अमाउंट विल बी माई एग्जम्पशन. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. मैं नोट्स पे जाता हूँ. LTC exemption is available for the travel of, सिर्फ मेरे नहीं, employee का खुद का, for his spouse, children and dependent relative, किसके लिए भी अगर मैंने खर्चा किया होगा मुझे उसका benefit मिल जाएगा. Okay? So mother, father, brother, sister, कोई भी अगर मेरे पर dependent होगा उसके लिए मुझे LTC का exemption मिल जाएगा. ओके, मतलब जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर, लेफ्ट हैंड में लिखा है ना एक्चुअल एक्सपेंडिचर, दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट बी फॉर ओनली एम्प्लॉयज एक्चुअल एक्सपेंडिचर, इट विल बी फॉर माइन स्पाउस, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट रिलेटिव.
बट ये जो चिल्ड्रन है ना, चिल्ड्रन के लिए एक थोड़ा एक लिमिट दिया है, नहीं तो तुम लोग 10 चिल्ड्रन होंगे तो 10 के 10 लोगों का तुम लोग बेनिफिट लोगे. तो यर उन्होंने यर दे आर वेरी क्लियर दैट एग्जेम्पशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 चिल्ड्रन हु आर बॉर्न ऑन और आफ्टर 1/10/1998. अगर 1/10/1998 के बाद कौन से आपके चिल्ड्रन बॉर्न हुए हैं, then in that case this exemption will be applicable only for 2 children. Okay, but aise aapke bacche hai jo 1992 1993 mein born hue, then in that case there is no limit on exemption. Sab pe jitna kharcha kiya utna pura ka pura aapko exemption mil jayega. But isme na confusion kidhar hota hai malum hai, abhi first time aapka ek hi child tha, फर्स्ट टाइम आपका एक ही चाइल्ड था. 1998 के बाद जो सेकेंड टाइम था ना, उसमें आपको ट्विन्स हुए. अभी मैं बोलूंगा अरे यार मुझे थोड़ी मालूम था यार कि ट्विन्स होंगे, तो मुझे तीनों का बेनिफिट चाहिए. तो उन्होंने बोला ठीक है, योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट विल काउंट. तो टोटल 3 चिल्ड्रन होंगे, सो एग्जेम्पशन अलाउड टू ऑल द 3 चिल्ड्रन, बिकॉज 2 में हो गया ना. तो सेकेंड टाइम, अभी फर्स्ट चाइल्ड कभी हुआ था 1998 के पहले, ठीक है, मतलब मेरे पास एक चाइल्ड है मुझे मालूम है, और मुझे मालूम है कि 1998 के बाद मुझे और एक ही चाइल्ड होगा, उसका ही मुझे बेनिफिट मिलने वाला है, बराबर. देन इन दैट केस मुझे उसमें ट्विन्स हुए, सो टोटल तो 3 लोग हो गए, तो मुझे तीनों का बेनिफिट मिलेगा क्या? इधर तीनों का बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज जो सेकंड टाइम हुआ ना 1998 के बाद वो ट्विन्स हुए, इसके लिए तीनों का बेनिफिट, बराबर. बट अगर 1998 के पहले ही मेरे पास ट्विन्स है, तो मुझे मालूम है ना, तो मुझे मालूम है कि 1998 के दिन पे 1/10/1998 के दिन पे आई हैव 2 चिल्ड्रन. तो जो तीसरा चाइल्ड आएगा सेकेंड टाइम में आफ्टर 1998, दैट विल बी द थर्ड वन. तो इधर देयर आर टोटल 3 चिल्ड्रन, बट ऑन 1/10/1998 आई नो देयर आर 2 चिल्ड्रन, राइट? एंड दैट इज व्हाई हियर आई विल गेट द एग्जेम्पशन ओनली फॉर फर्स्ट 2 चिल्ड्रन. एकदम परफेक्ट है, ग्रेट. नाउ एलटीसी एग्जेम्पशन इज अवेलेबल फॉर 2 years ड्यूरिंग द ब्लॉक ऑफ 4 years. ओके, एलटीसी एग्जेम्पशन इज अवेलेबल फॉर 2 years ड्यूरिंग द ब्लॉक ऑफ 4 years. अभी जो 4 साल है ना, ये 4 साल का एक ब्लॉक होता है, और वो ब्लॉक इज आइडेंटिफाइड. करंट ब्लॉक इज 2022 to 2025. ये 4 साल का ब्लॉक है. ये 4 साल के ब्लॉक में 2 बार में एलटीसी का एग्जेम्पशन ले सकता हूँ. बट अगर ऐसा हुआ तो ये एक ब्लॉक में मैंने 2 नहीं सिर्फ एक ही एग्जेम्पशन लिया, देन इन दैट केस ये जो बाकी का एग्जेम्पशन है ना, आई कैन कैरी इट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. ये मैंने वही नीचे लिखा है, इफ द असेसी डज नॉट क्लेम एलटीसी एग्जेम्पशन और क्लेम्स ओनली वन. एक उसने क्लेम ही नहीं किया, एक भी 2 में से, और दूसरा ही क्लेम्स ओनली वन, देन इन दैट केस आई कैन कैरी इट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ब्लॉक ओनली वन. मतलब मैं सिर्फ दोनों में से एक ही, 2 में से 1 ही सिर्फ कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, और वो जो एक कैरी फॉरवर्ड करूंगा वो मुझे नेक्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में ही यूटिलाइज करना पड़ेगा. वो मुझे क्लेम करना पड़ेगा इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक. मैं वापस ये पूरे नोट्स में तुम लोग को समझाने वाला हूँ. नोट्स में लिखा है एलटीसी एग्जेम्पशन इज अवेलेबल फॉर द ट्रैवल ऑफ एम्प्लॉय, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट रिलेटिव. चिल्ड्रन के केस में थोड़ा सा उन्होंने ऊपर नीचे किया. उन्होंने क्या बोला दैट 1/10/1998 के बाद, 1/10/1998 के बाद अगर कौन से चिल्ड्रन बॉर्न हुए हैं, देन इन दैट केस वी विल गिव द एग्जेम्पशन ओनली फॉर 2 चिल्ड्रन. ठीक है, अभी 1998 के पहले एक चाइल्ड ऑलरेडी था, और 1998 के बाद उनको ट्विन्स हुए, तो इधर तीनों को एग्जेम्पशन मिल जाएगा. उसके बाद 1998 के पहले ट्विन्स थे, तो तुझे मालूम है ना कि 2 लोगों को ही मिलता है, 2 लोगों का ही मिलता है. तो इन दिस केस 1998 के बाद जो तीसरा चाइल्ड आएगा उसके लिए एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. मतलब हियर ऑल्सो देर आर 3 चिल्ड्रन, बट हियर यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल द 3, यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ ओनली 2. उसके बाद एलटीसी एग्जेम्पशन इज अवेलेबल फॉर टू ईयर्स ड्यूरिंग द ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स. आज ये साल का ये करंट ब्लॉक कौन सा है, 2022 to 2025. उसमें ये 4 साल के ब्लॉक में अगर तूने 2 में से 1 भी क्लेम नहीं किया, और 2 में से सिर्फ 1 क्लेम किया, देन इन दैट केस जितना तूने क्लेम नहीं किया है यू विल बी एबल टू कैरी इट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ब्लॉक. बट ये जो कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट है ना, दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 क्लेम. सिर्फ 1 क्लेम में कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, और वो जो मैं नेक्स्ट ब्लॉक में कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ ना, वो नेक्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट मंथ में मुझे वो यूटिलाइज करना पड़ेगा.
एकदम क्लियर, ग्रेट. द नेक्स्ट पॉइंट इज मेडिकल फैसिलिटी. मेडिकल फैसिलिटी में देयर आर टू पार्ट्स, वन इज ट्रीटमेंट इन इंडिया एंड सेकंड वन इज ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया. अभी देख, इफ आई एम गेटिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट, तो देख कि मेडिकल ट्रीटमेंट कौन से हॉस्पिटल में मिल रहा है. इफ आई एम गेटिंग द ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इफ आई एम गेटिंग द ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयर्स ओन हॉस्पिटल, और इफ आई एम गेटिंग द ट्रीटमेंट इन सच हॉस्पिटल विच इज रिकग्नाइज बाय द गवर्नमेंट. अगर इसमें मुझे ट्रीटमेंट मिल रहा है, देन इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट इन माई हैंड्स. सेकेंड वन इज, अगर मुझे कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट क्लिनिक में मुझे कौन सा अगर ट्रीटमेंट मिल रहा है, देन इट इज फुल्ली एंड फुल्ली टैक्सेबल. ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रीटमेंट इन इंडिया. ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया में देर कैन बी थ्री पॉइंट्स. वन, एक मेडिकल ट्रीटमेंट मुझे मिल रहा है, मुझे एम्प्लॉयर ने स्टे का बेनिफिट दिया है, एंड तीसरा मुझे एम्प्लॉयर ने ट्रैवल का भी बेनिफिट दिया है. नाउ ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया को आई विल बाइफर्केट इन टू पार्ट्स, वन मेडिकल ट्रीटमेंट एंड बेनिफिट ऑफ स्टे. नाउ मेडिकल ट्रीटमेंट और बेनिफिट ऑफ स्टे का मुझे एग्जेम्पशन मिलेगा क्या, तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली मिलेगा, बट उसमें एक लिमिट डाला है. दैट लिमिट इज, आई विल गेट द एग्जेम्पशन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई. जितना आरबीआई लिमिट प्रिस्क्राइब करेगा, उतना ही सिर्फ मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगा. तो वो तुझे एग्जाम में दिया होगा, इस पर टेंशन मत लेना. ओके, एंड बेनिफिट ऑफ ट्रैवल है, वो मुझे एग्जेम्पशन मिलेगा क्या? वो मुझे एग्जेम्पशन मिल सकता है इफ आई एम अ स्मॉल पर्सन. इसका मतलब क्या, स्मॉल पर्सन मतलब इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट इफ माय ग्रॉस टोटल इनकम इज लेस देन 2 लाख रुपीज और अप टू 2 लाख रुपीज. इफ इट इज इफ माय जीटीआई इज अप टू 2 लाख रुपीज, देन इन दैट केस जो भी मुझे ट्रैवल का बेनिफिट मिला है, इट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. बट अगर मेरा जीटीआई इज 5 लाख और 7 लाख और 10 लाख रुपीज, जो मुझे ट्रैवल का बेनिफिट मिला है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी टैक्सेबल. ये तेरा ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया का पार्ट है. नोट्स में आता है, नोट्स इज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, जो मुझे मेडिकल, जो मेरे नाम पे एम्प्लॉयर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. सेकंड इज एग्जेम्पशन फॉर ट्रीटमेंट इज अलाउड. जो ऊपर का जो ट्रीटमेंट जिधर जिधर बात किया, तो ट्रीटमेंट सिर्फ मेरा ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? तो उन्होंने बोला दैट ट्रीटमेंट कैन बी ऑफ एम्प्लॉई, स्पाउस, चिल्ड्रन और डिपेंडेंट रिलेटिव. इट कैन बी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर. किसी के लिए भी अगर एम्प्लॉयर ने ट्रीटमेंट दिया हो, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. मतलब ऊपर का पॉइंट जो है वो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, सिर्फ एम्प्लॉय के लिए नहीं. थर्ड पॉइंट इज एग्जेम्प्शन ऑफ स्टे एंड ट्रैवल इज अलाउड ओनली फॉर वन पेशेंट एंड वन अटेंडेंट. मतलब मेरे साथ जो अटेंडेंट होगा, उसमें से 20 अटेंडेंट्स नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूं पर 20 लोगों को ट्रिप के लिए लेके जा रहा हूँ मेरे साथ. सो अटेंडेंट हैज टू बी वन. मैं एक पेशेंट, मेरा एक अटेंडेंट. बेनिफिट ऑफ स्टे एंड ट्रैवल, ये जो एग्जेम्पशंस उन्होंने लिखे ऊपर, वो एप्लीकेबल सिर्फ एक अटेंडेंट के लिए होंगे. ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर मेडिकल फैसिलिटी. आगे बढ़ता हूं, लोन गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई एट कंसेशनल रेट्स और विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसका मतलब, आई एम गोइंग टू द एम्प्लॉयर फॉर आस्किंग फॉर अ लोन. ही इज गिविंग मी दैट लोन फॉर 4%. ही इज गिविंग मी दैट लोन एट द रेट ऑफ 4%. बट वेन एवर आई गो टू द बैंक, मैं अगर SBI में गया और SBI में लोन मांगा, उसने मुझे बोला 10% लगेगा. इन दिस केस, आई यू अंडरस्टैंडिंग दैट इफ आई गो टू द बैंक, आई एम गेटिंग अ लोन एट 10% एंड योर एम्प्लॉयर से मुझे लोन मिल रहा है 4% से. सो कैन आई से आई एम गेटिंग एन इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ 6%? डेफिनेटली यस, आई एम गेटिंग इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ 6%. एंड दैट्स वाई ये जो 6% है ना, उस पर उन लोग, गवर्नमेंट इज सेइंग कि दिस विल बी कंसिडर्ड एज पर्क्विजिट एंड वो मेरे हाथ में टैक्स हो जाएगा. Now, if the loan amount is 1 crore rupees, then how to compute the perquisite? Loan amount 1 crore into SBI ka rate 10% minus employer's rate, that is 4%. So total benefit kitna mila? 6% into 1 crore. Matlab, can I say this is the total benefit which I got? Definitely. Ye mera ho jayega perquisite. ये मेरा परक्विजिट हो जाएगा. और उन्होंने नोट्स में नीचे लिखा है कि इफ द लोन अमाउंट इज लेस देन 20,000, ये सेक्शन ही एप्लीकेबल मत करना. इफ द लोन अमाउंट इज अप टू 20,000, देन इंटरेस्ट बेनिफिट इज नॉट टैक्सेबल. सेकंड इज, इफ द लोन इज टेकन फॉर अ स्पेसिफाइड डिसीज, एक स्पेसिफाइड डिसीज के लिए एम्प्लॉयर ने मुझे सस्ते में लोन दिया है, देन इन दैट केस ये एक जेन्युइन केस है और इसके हिसाब से तुझे इस जितना बेनिफिट मिला है इंटरेस्ट का, वो टैक्सेबल नहीं होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ लोन. बराबर. देन कंसिडर द आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ.
ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, ये समझने के लिए ना मैंने एक एग्जाम्पल दिया है मेरे नोट्स में, वो एग्जाम्पल हम लोग अच्छे से समझेंगे. बिकॉज हाउसिंग लोन इज 6% पर एनम, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2021 इज 6 lakhs. मिस्टर कला पेज 12,000 रुपीज पर मंथ टूवर्ड्स प्रिंसिपल, ठीक है, ऑन 5th ऑफ ईच मंथ, एंड द लेंडिंग रेट ऑफ SBI इज 10%. एक मिनट, लेंडिंग रेट 10% है, मुझे मिला 6% से, बराबर है. टोटल लोन कितना था? 6 lakh rupees. यू विल से कि सर 6 lakhs लोन लेना है, लोन लिया है, 6 lakhs इंटू 4% करो, 10 minus 6. तो ऐसा नहीं है, मैंने 12,000 रुपीज एवरी मंथ रीपे किया है, और इसीलिए जो मैं 4% जो मैं कैलकुलेट करूंगा, दैट आई विल नॉट कैलकुलेट ऑन एंटायर 6 lakhs, बिकॉज मैंने वही लिखा है पीछे कि मुझे जो लोन का इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन करना है ना, वो एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ करना है. मतलब लोन का अमाउंट स्टार्ट कभी हुआ, लोन रीपेमेंट का, लोन कब से स्टार्ट हुआ? 1/4/2021. सो अप्रैल मंथ में उसने एक 12,000 का पेमेंट किया. देख मैंने कैसे लिखा है, देख, फर्स्ट है मंथ, सेकंड इज मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, एंड परक्विजिट वैल्यू एट द रेट ऑफ 4%. कैसे आया 4%? 10 minus 6 फॉर द मंथ. नाउ अप्रैल 21, अप्रैल के एंड में उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था? 6 lakhs था या 5 lakh 88 था? 5 lakh 88 था, बिकॉज 5th of April को उसने 12,000 का पेमेंट किया होगा, एंड दैट इज वाई एट द एंड ऑफ द मंथ उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 5 lakh 88. सो 5 lakh 88 पे कैलकुलेट करो 4%, ये अप्रैल मंथ का हुआ. अभी जाते हैं मई मंथ में, मई में, मई के एंड में वापस 5th May को 12,000 का पेमेंट हुआ होगा, तो वापस 5,88 माइनस 12,000 करेंगे, 5,76, 5,76 पे 4% कंप्यूट करेंगे. नो 4% भी कैसे कंप्यूट करेंगे? 5,88 इंटू 4% इंटू 1/12, बिकॉज 4% इज पर एनम, नो आई एम कंप्यूटिंग दिस फॉर 1 month. एज वे ऊपर के केस में 5,88 इंटू 4% इंटू 1/12 आई विल गेट 1,960. सेकेंड मंथ 5,76 इंटू 4% इंटू 1/12 आई विल गेट द आंसर ऑफ 1,920, एंड ऐसे में पूरा कंप्यूट करूंगा पूरे साल का. पूरे साल का कंप्यूट करने के बाद मुझे पर मंथ के परक्विजिट वैल्यूज है, टोटल वैल्यू ऑफ परक्विजिट मिलेगा, दैट इज 20,880. दिस इज गोइंग टू बी माई सैलरी, टैक्सेबल परक्विजिट. एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है, परफेक्ट, गुड. अगर आपको कुछ भी डाउट होगा, यू कैन पॉज इट एंड यू कैन रीड एवरीथिंग, बिकॉज ऐसे मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस आ सकते हैं. बिकॉज इफ यू रीड ओनली द प्रोविजन, तो प्रोविजन में ऐसे समझते हैं ठीक है, डिफरेंशियल अमाउंट जितना है वो सीधा लोन अमाउंट पे डाल दो, बट इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी कैसे होगा वो भी समझना इंपॉर्टेंट है. ओके, गिफ्ट है पॉइंट एक. अगर मुझे एम्प्लॉयर से कुछ भी गिफ्ट मिला, तो इन कैश अगर मिला तो इट इज टैक्सेबल. अगर इन काइंड मिला, इन काइंड मतलब कैश में नहीं, गाड़ी मिला, ऐसे कुछ मिला, देन इन दैट केस फेयर मार्केट वैल्यू विल बी टैक्सेबल. बट अगर गिफ्ट का अमाउंट इज लेस देन 5,000, देन इट इज फुल्ली एंड फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. वो कैश में होने दो, गिफ्ट काइंड में होने दो, परफेक्ट. उसके बाद ईसॉप का एक पॉइंट है, कंपनी ऑफर्स शेयर्स टू एम्प्लॉय एट कंसेशनल रेट्स, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा? फेयर मार्केट वैल्यू कितना था? 1,000 रुपया. एम्प्लॉय को कितने में दिया? 200 रुपये में. कितने का बेनिफिट हुआ एम्प्लॉय को? 800 रुपये का. And that is why 800 rupees per share will be employee's perquisite. और उस पर employee को tax भरना पड़ेगा. Now FMV कौन से date का लेना है? FMV should be taken on the date on which option is exercised by the employee. जो option था, अभी ऐसा नहीं कि ये तुझे concession में लेना ही है, नहीं, it is an option which is given. जो दिन पे employee option exercise करेगा, वो दिन पे fair market value क्या था? 1,000 rupees. So 1,000 minus 200, that is 800 rupees will be the taxable amount per share. ठीक है, ये ईसॉप का पॉइंट था. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ मूवेबल असेट. सी, योर एम्प्लॉयर हैज गिवन सम मूवेबल असेट टू द एम्प्लॉय फॉर यूज, इधर बेचा नहीं है, सिर्फ यूज करने के लिए दिया, देन इन दैट केस अगर वो लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, इट विल नॉट बी टैक्सेबल, इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट. देन यू विल आस्क मी कि अरे यूज तो हो रहा है, कुछ बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉय को. अरे भाई, लैपटॉप और कंप्यूटर तो लगता है ना काम करने के लिए, एंड दैट इज वाई लैपटॉप कंप्यूटर अगर यूज करने के लिए दिया, नो टैक्स, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. बट अगर लैपटॉप कंप्यूटर छोड़ के अगर कौन सा भी मूवेबल असेट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया होगा, देन इट इज, इट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल. और उसका टैक्सेबिलिटी कैसे होगा? द टैक्सेबल अमाउंट विल बी
इसमें देखेंगे कि वो जो असेट था, इफ इट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर देन द टैक्सेबल वैल्यू इज गोइंग टू बी 10% ऑफ द कॉस्ट. बट अगर इफ इट इज नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, इसका मतलब क्या, मैं एम्प्लॉयर हूं समझ, मैं एक एम्प्लॉयर हूं, मैंने एक बंदे से असेट रेंट पे लिया है, सो आई एम मेकिंग अ पेमेंट ऑफ रेंट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. मेरे पास एक असेट आया, आई एम गोइंग टू गिव दैट असेट टू माई एम्प्लॉय. सो कैन आई सी फॉर माई एम्प्लॉय आई हैव इनकर्ड सर्टन कॉस्ट. सो कैन आई से एम्प्लॉय को कुछ तो बेनिफिट हुआ मेरे वजह से. डेफिनेटली ये जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट मेरे एम्प्लॉय को हुआ ना, दैट इज गोइंग टू बी हिज सैलरी. इन दिस केस इफ दैट असेट इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, जो हायर चार्जेस एम्प्लॉयर पे करेगा टू दैट थर्ड पार्टी, दिस विल बी दैट एम्प्लॉयज टोटल टैक्सेबल इनकम. बिकॉज वही हायर चार्जेस वो एम्प्लॉय पे करता, पर एम्प्लॉय ने नहीं किया. किसने किया? एम्प्लॉयर ने किया. सो कैन आई से फॉर द एम्प्लॉय एम्प्लॉयर इनकर्ड सर्टेन एक्सपेंडिचर, एंड दैट इज वाई दिस इज एम्प्लॉयज बेनिफिट. दिस बेनिफिट इज अ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट एंड दैट्स वाई इट इज अ परक्विजिट. और ये परक्विजिट एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स होगा, और कितना टैक्स होगा, जितना उसको बेनिफिट मिला, मतलब मैंने जितने हायर चार्जेस, मतलब एम्प्लॉयर ने जितने हायर चार्जेस वो थर्ड पार्टी को पे किए, उतना इट विल बी द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय, उतना उसके हाथ में टैक्स हो जाएगा. दिस इज योर पॉइंट नंबर 6. पॉइंट नंबर 7 पे जाता हूँ, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट. वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 7? पॉइंट नंबर 6 वॉज टॉकिंग अबाउट यूज, सिर्फ यूज करने के लिए दिया है भाई, पर पॉइंट नंबर 7 इज टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट. एक मूवेबल असेट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दिया, बेच दिया, देन इन दैट केस देखो असेट कौन सा है. इफ दैट असेट इज अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर, देन टैक्सेबल अमाउंट विल बी व्हाट. देख, मैं एक एम्प्लॉयर हूं एंड यू आर द एम्प्लॉय. मैंने एक असेट परचेज किया था 2015 में फॉर 10 लाख रुपीज, और 2022 में ये साल मैंने वो असेट आपको बेच दिया. अभी व्हाट विल बी, बेच दिया मैंने, सो व्हाट विल बी योर टैक्सेबल इनकम. योर टैक्सेबल इनकम, सी यू आर गेटिंग सम बेनिफिट राइट. मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ. अरे देख, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ फॉर लो कंसिडरेशन और फॉर नो कंसिडरेशन. फॉर लो कंसिडरेशन और फॉर नो कंसिडरेशन, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि 10 लाख में मैंने 2015 में असेट लिया था, 2022 में मैंने फ्री में तुझे ट्रांसफर कर दिया. इन दिस केस तेरे लिए बेनिफिट हुआ कि नहीं वो असेट का? डेफिनेटली. तो असेट का what will be your income? What will be your taxable income? Your taxable income will be the WDV on the date of transfer. WDV on the date of transfer मतलब 2022 में जब भी मैं असेट ट्रांसफर कर रहा था उसका WDV क्या था. सी कॉस्ट यू cannot consider because cost 2015 का कॉस्ट था, और 2015 के बाद वो असेट depreciate होते गया, and that is why उसका WDV on the date of transfer will be considered. मतलब 2022 में कितना WDV था वो consider करो. बट ये जब भी कंसिडर करेंगे तभी हम लोग समझो उसका WDV आया 5 लाख रुपया. 10 लाख कॉस्ट था, डेप्रिशिएट करते करते 5 लाख रुपया उसका अगर WDV आया, तो इन योर हैंड्स 5 लाख विल बी टैक्सेबल. बट समझो कि मैंने आपको फ्री में नहीं 2 लाख में ट्रांसफर किया, सो यू टेल मी व्हाट इज योर बेनिफिट. 5 लाख का असेट आपको मिला एंड इन रिटर्न यू गेव मी 2 लाख रुपीज. सो कैन आई से एट द एंड ऑफ द डे देर इज अ बेनिफिट ऑफ ओनली 3 लाख्स एंड नॉट 5 लाख्स? अरे बॉस, अरे बिकॉज आई एम गिविंग 5 लाख्स का असेट, यू आर गिविंग मी 2 लाख्स, नो. सो इज 5 लाख्स योर बेनिफिट? नो, योर बेनिफिट इज 5 लाख्स माइनस 2 लाख्स, बेसिकली इट इज 3 लाख्स. सो 3 लाख रुपए तेरे हाथ में टैक्स हो जाएगा. एकदम परफेक्ट है. अभी ये जो डेप्रिशिएट कर रहा हूँ ना 2015 से 2022 तक, ये जो मैं डेप्रिशिएट कर रहा हूँ, वो कौन से रेट पे डेप्रिशिएट करूंगा? जो PGBP में रेट लिखा है उसके हिसाब से डेप्रिशिएट करूंगा, या कुछ अलग रेट है? तो इधर कुछ अलग रेट है. उन्होंने स्पेसिफाई किया कि इधर इन दिस केस ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन डेप्रिशिएशन रेट्स आर डिफरेंट. कंप्यूटर लैपटॉप के केस में डेप्रिशिएशन रेट इज 50%. अगर वही कार होगा तो डेप्रिसिएशन रेट इज 20%. और अगर वो एनी अदर असेट होगा, एक मिनट, एनी अदर असेट मतलब क्या? एनी अदर असेट मतलब वो बाइसिकल हो सकता है, इट कैन बी अ बाइक ऑल्सो, और इट कैन बी एनी अदर असेट. ये होगा तो डेप्रिसिएशन रेट इज 10%. प्लीज रिमेंबर वन थिंग, PGBP रेट्स आर डिफरेंट, These rates are used only for this particular section, not for any other section. Please understand one more thing. इधर
कंप्यूटर लैपटॉप और कार के केस में WDV के हिसाब से तुझे डेप्रिसिएशन लेना है, और एनी अदर असेट के केस में तुझे SLM के हिसाब से डेप्रिसिएशन लेना है. प्लीज 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 अंडरस्टैंड दिस. डेप्रिसिएशन शुड बी कंप्यूटेड फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर एंड नॉट फाइनेंशियल ईयर वाइज. इसका मतलब मैं तुझे ऐसे बता के ऐसा नहीं बता सकता, ऐसा बताया तो तुझे नहीं समझेगा. सो इससे अच्छा, इससे बेटर मैंने एक वर्किंग किया है. वो वर्किंग से पूरा का पूरा हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे एग्जैक्टली कैसे करता है. कंप्यूटर परचेज किया ऑन 3/1/2017 फॉर 10 लाख रुपीज. कंप्यूटर परचेज किया ऑन, किसने परचेज किया? एम्प्लॉयर ने परचेज किया. मैं एम्प्लॉयर हूँ. आई परचेस्ड अ कंप्यूटर ऑन 3/1/2017 फॉर 10 लाख रुपीज. दिस असेट, 10 लाख का जो असेट 17 में खरीदा था मैंने, वो असेट एम्प्लॉयर ने वो असेट तुझे ट्रांसफर किया. यू आर द एम्प्लॉय, तुझे ट्रांसफर किया ऑन 5/3/2020. ओके, नाउ तेरे हाथ में टैक्स कितना लगेगा? हम लोग ने समझा कि ये कंप्यूटर है तो 50% डेप्रिसिएशन लगेगा, और 50% डेप्रिसिएशन WDV के हिसाब से हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन. अब तक हम लोग ने अकाउंट्स और टैक्स में जितना सीखा है वो फाइनेंशियल ईयर वाइज हम लोग डेप्रिसिएशन करते हैं, बट फॉर दिस सेक्शन डेप्रिसिएशन का मेथड इज एब्सोल्युटली डिफरेंट. कैसे करेंगे? इधर फाइनेंशियल ईयर वाइज नहीं, डेट वाइज जाओ. मतलब जब भी मैंने परचेज किया था, कभी परचेज किया था 3/1/2017, उधर से एक साल चालू करो, उधर से आगे का एक साल. मतलब 3/1/2017, इधर देखो मैंने किया है 3/1/2017 टू 2/1/2018, 50% डेप्रिसिएशन लगेगा. सो कैन आई से 50 लाख मेन असेट, सॉरी 10 लाख था ना ये, एक ही मिनट. ओके, क्या कर रहा है अमित भैया? 50 लाख से करता है ना ऊपर, इतना सब चेंज करने से 50 लाख में वापस बोलता हूँ, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. कंप्यूटर परचेज किया था मैंने ऑन 3/1/2017. मैं कौन? मैं हूँ एक एम्प्लॉयर. कितने में परचेज किया था? 50 लाख में परचेज किया था. परफेक्ट है. नाउ ये जो असेट है मैंने तुझे ट्रांसफर किया, मैंने ये तुझे ट्रांसफर किया ऑन 5/3/2020. नाउ यू विल से 50 लाख का कौन सा कंप्यूटर आता है? बहुत कुछ है वो कंप्यूटर में, सोने का बनाया हुआ कंप्यूटर है, इसके वजह से 50 लाख उसका वैल्यू है. ये अज्यूम करते हैं एग्जाम्पल के लिए, प्लीज. ओके, सो असेट परचेस्ड ऑन 5/3/2020. ओके, मैंने वो असेट तुझे ट्रांसफर किया. नाउ यू अंडरस्टूड कि तेरे हाथ में कितना टैक्स लगेगा. तो तुझे समझा ये कंप्यूटर है तो इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 2020 के दिन पे जो उसका WDV था. दैट इज गोइंग टू बी योर टैक्सेबल वैल्यू. नाउ हाउ टू कंप्यूट द WDV? कब से स्टार्ट करेंगे हम? ऑन 3/1/2017 से आगे एक साल, मतलब 3/1/2017 टू 2/1/2018, 50%. अभी 50 लाख पे 50% डालने के बाद मुझे कितना मिला आंसर? 25 लाख माइनस किया 50% डेप्रिसिएशन से, मुझे वो क्लोजिंग WDV मिला 25 लाख. नाउ द नेक्स्ट ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 3/1/2018 टिल 2/1/2019, अगेन 50% डेप्रिसिएशन. परफेक्ट. सो हियर इट विल बी व्हाट? अगेन 50%, मतलब 25 का 50 कम्स टू 12.5 लाख. क्लोजिंग हो गया 12.5 लाख. अगेन द नेक्स्ट ईयर स्टार्ट्स 3/1/2019 टिल 2/1/2020, 50%, अगेन 6.25, एंड 6.25 इज द क्लोजिंग WDV. नाउ मैंने बेचा कभी तुम लोग को? मैंने तुम लोग को बेचा ऑन 5/3/2020. मतलब कैन आई से आफ्टर 2/1/2020, आफ्टर 2/1/2020 डिड आई कंप्लीट द एंटायर ईयर ऑफ यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर? नो. तो मैं डेप्रिसिएशन कंप्यूट नहीं करूंगा. डेप्रिसिएशन कंप्यूट कभी करते हैं हम? वेन एवर द एंटायर ईयर विल गेट कंप्लीटेड, तभी हम डेप्रिसिएशन कंप्यूट करते हैं, अदरवाइज वी डू नॉट कंप्यूट द डेप्रिसिएशन. सो फ्रॉम 3/1/2020 टिल 5/7/2020, सर आई यूज दैट पर्टिकुलर असेट फॉर सम 60-65 डेज, तो मुझे उसका डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या? भैया नहीं मिलेगा. तुझे उसका डेप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला है बिकॉज पूरा साल कंप्लीट नहीं हुआ था. आई होप यू आर क्लियर विथ दिस. हम लोग ने अपने जो मेन लेक्चर्स हुए थे, फुल फ्लेज्ड लेक्चर्स हुए थे मेन कोर्स के बैच में, बहुत अच्छे से ये पॉइंट कवर किया था. बट स्टिल जिन्होंने मेरे लेक्चर्स नहीं लिए थे उनके लिए आई थॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग यू दिस, बिकॉज सिर्फ थ्योरी समझा के आपको नहीं समझता, और सिर्फ आप वीडियो देखते और आगे कुछ होता नहीं.
तो इससे बेटर 5-7 मिनट और गए, बट स्टिल एटलीस्ट यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट एंड दिस वॉज माई मोटिव एंड दैट्स वाई आई स्पेंड 5-7 मिनट्स मोर टू एक्सप्लेन यू दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. ऑसम. नेक्स्ट है लंच फैसिलिटी. नेक्स्ट इज लंच फैसिलिटी. लंच फैसिलिटी में क्या है भाई? एग्जेम्प्ट. हाँ ओके. लंच फैसिलिटी में स्पेसिफिकली लिखा है इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 50 रुपीज पर मील इफ द लंच इज प्रोवाइडेड इन ऑफिस प्रमाइसेस और थ्रू पेड वाउचर. ठीक है, 50 रुपीज तक होगा मील तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज इट विल बी टैक्सेबल. ठीक है. एंड नो इफ क्या है? लंच इज प्रोवाइडेड इन द ऑफिस प्रमाइसेस और थ्रू पेड वाउचर. नोट, टी कॉफी ब्रेकफास्ट प्रोवाइडेड इन ऑफिस इट इज नॉट टैक्सेबल. लंच प्रोवाइडेड इन रिमोट एरिया इट इज नॉट टैक्सेबल. ये सब एक मिनट के लिए बाजू में रखना है, सब कुछ ईजी था. देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी चालू हो रहा है, दैट इज रेंट फ्री अकोमोडेशन. उसके पहले हम लोग ने जो ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट किया था उसमें कैच क्या है मालूम है? डेप्रिसिएशन का कैच है. डेप्रिसिएशन भी हम लोग ने अच्छे से डिस्कस किया. इस पर प्लीज एक सम करना सो दैट यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. बहुत ईजी है, सिर्फ एक बार सम सॉल्व करना सो तुझे समझेगा कि एग्जैक्टली कैसे करना है. ठीक है, विल मूव अहेड विद रेंट फ्री अकोमोडेशन. बहुत ही ज्यादा मतलब बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेंट फ्री अकोमोडेशन, दैट इज हाउसिंग फैसिलिटी. अभी रेंट फ्री क्या बोल रहा हूं मैं? रेंट फ्री अकोमोडेशन. मैं एम्प्लॉयर हूं, आई एम गिविंग यू सम अकोमोडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट. मैं बोल रहा हूं तू कौन? एम्प्लॉय. मैं कौन? एम्प्लॉयर. मैं घर तुझे रहने के लिए दे रहा हूं. इसमें एम आई चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू? आई एम नॉट चार्जिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम यू. एंड दैट इज वाई दिस अकोमोडेशन इज नोन एज रेंट फ्री अकोमोडेशन. नाउ अगर तू गवर्नमेंट एम्प्लॉय है देन इट विल बी टैक्सेबल एज पर लाइसेंस फीस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. जैसे लाइसेंस फीस गवर्नमेंट डिसाइड करेगा उसके हिसाब से यू हैव टू पे टैक्स. इसमें कुछ भी जिग-जिग नहीं है बिकॉज इस पे क्वेश्चन आने का चांस ना के बराबर है, बिकॉज उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया इट विल बी टैक्सेबल एज पर लाइसेंस फीस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. इधर तुझे इंस्टीट्यूट क्या ही घुमाएगा रे, किधर घुमाएगा? बराबर. सेकेंड आते हैं अदर एम्प्लॉयज. अदर एम्प्लॉयज में देख ले कि वो जो हाउस है वेदर दैट हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर और नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर. इफ इट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर और अगर तुझे वो हाउस मिल रहा है, मैं एम्प्लॉयर हूँ, आई एम ओनिंग दैट हाउस एंड आई एम गिविंग दैट हाउस टू यू, देन इन दैट केस इन योर हैंड्स सम अमाउंट विल बी टैक्सेबल. एंड वॉट इज दैट अमाउंट? द टैक्सेबल अमाउंट इज गोइंग टू बी 7.5% और 10% और 15% ऑफ सैलरी. अभी सैलरी क्या है हम लोग बाद में थोड़े टाइम में देखेंगे, बट अभी के लिए याद रखना कि एग्जैक्टली क्या है. टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू 7.5, 10 और 15. इन सम केसेस इट इज 7.5, इन सम केसेस इट इज 10, इन सम केसेस इट इज 15. और सम केसेस क्या है एग्जैक्टली हम लोग समझेंगे, सैलरी क्या है हम लोग समझेंगे. ओके अभी समझ लेते हैं. नोट्स में देखो नीचे, इफ द पॉपुलेशन इज अप टू 10 लाख 7.5, पॉपुलेशन इज अप टू 25 लाख 10%, मोर देन 25 लाख इट इज 15%. आई होप तुम लोग को समझा होगा पॉपुलेशन के बेसिस पे. और अगर मुंबई अगर बोला, अगर किसी ने बोला कि मुंबई में इधर अकोमोडेशन है, डोंट से कि सर उन्होंने एग्जाम में तो पॉपुलेशन का डिटेल्स दिए नहीं थे. अरे भाई 25 लाख मुंबई में तो एक छोटे से एरिया में होता है. तो ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज थोड़ा सा यूज करके, मतलब थोड़ा सा जीके यूज करके यू कैन क्रैक द क्वेश्चन. सो थोड़ा सा खुला रखना, ठीक है ना. सो ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर होगा तो क्या? इफ इट इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, लॉजिक सेम रखना जो हम लोग ने मूवेबल असेट का किया था. आई एम गिविंग यू सम प्रॉपर्टी, आई एम गिविंग यू सम प्रॉपर्टी. दैट प्रॉपर्टी, सुनो अच्छे से सुनो, दैट प्रॉपर्टी इज नॉट ओन्ड बाय मी. आई एम द एम्प्लॉयर, यू द एम्प्लॉई. दैट प्रॉपर्टी इज नॉट ओन्ड बाय मी. मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड पार्टी से वो प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहा हूँ और वही प्रॉपर्टी तुझे दे रहा हूँ. मतलब रेंट कौन पे कर रहा है? रेंट मैं पे कर रहा हूँ. अरे भाई मैं कौन हूँ? मैं हूँ एम्प्लॉयर, तो मैं क्यों पे कर रहा हूँ? मतलब कैन आई से तू पे नहीं कर रहा है और मैं पे कर रहा हूँ? डेफिनेटली. सो कैन आई से इट इज योर एक्सपेंडिचर बट आई एम इनकरिंग दैट एक्सपेंडिचर, सो विच मीन्स यू आर गेटिंग अ बेनिफिट ऑफ दैट रेंट, राइट? एंड दैट इज वाई दैट रेंट अमाउंट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन योर हैंड्स. जो मैं पे कर रहा हूँ ना तेरी बिहाफ पे, वो तेरा बेनिफिट है. वो बेनिफिट गवर्नमेंट को देखा नहीं जा रहा है कि भाई ये एम्प्लॉयर कैसे टैक्स रेंट पे कर रहा है, ये तो रेंट पे करना चाहिए एम्प्लॉई ने. ऑसम, समझा रहेगा, आगे बढ़ता हूँ. टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा लॉजिकली टैक्सेबल अमाउंट क्या होना चाहिए? मैंने जितना हायर चार्जेस पे किया दैट शुड बी योर टैक्सेबल अमाउंट. दैट इज देयर हायर चार्जेस पेड. सी टैक्सेबल अमाउंट में लिखा है 15% ऑफ सैलरी, मतलब तेरे सैलरी का 15%, और हायर चार्जेस जो मैंने पे किया विच एवर इज लोअर इज द टैक्सेबल अमाउंट. योर इट डज नॉट मैटर वेयर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, वो
जिधर 1,000 पॉपुलेशन है उधर बीच हो सकता है या 70 लाख पॉपुलेशन है उधर भी हो सकता है, डज नॉट मैटर, इधर सीधा से 15% है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इफ इट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर होगा तो ही हम लोग को देखना है 7.5, 10 एंड 15, बट इफ इट इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर है तो सीधा का सीधा 15% उठा के चिपकाना है। सो 15% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड विच एवर इज लोअर। समझा कि नहीं? परफेक्ट है। अभी कभी कभी होता क्या है कि ये जो घर, इफ इट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, चल मैंने वो घर ओन किया है, आई एम ओनिंग दैट पर्टिकुलर हाउस, पर वो मैं जो दे रहा हूं ना एक वेल फर्निश्ड घर दे रहा हूं, मैं तुझे वेल फर्निश्ड घर दे रहा हूं, मतलब मैंने जो बेनिफिट दिया ना सिर्फ घर का नहीं दिया है, तुझे बेनिफिट दिया है फर्नीचर का भी, और ये भी गवर्नमेंट ने बराबर पकड़ा। गवर्नमेंट इज लाइक कि बॉस तुझे सिर्फ घर का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तुझे फर्नीचर का भी बेनिफिट मिल रहा है। एंड दैट इज वाई जो ऊपर का पॉइंट है ना 7.5, 10 एंड 15, वो तो लगेगा ही, एंड अलॉन्ग विद दैट 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट विल बी योर इनकम। एकदम समझा कि नहीं? कॉस्ट किसका? फर्नीचर का कॉस्ट 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट प्लस जो 7.5, 10, 15 तुझे इधर फॉलो है वो तो ऐड करके तुझे दोनों टैक्स टैक्सेबल इनकम करके ऐड करना पड़ेगा। अगर इफ इट इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब क्या, मैंने अगर हायर चार्जेस पे किया घर के लिए भी और फर्नीचर के लिए भी, देन इन दैट केस ऊपर का पॉइंट जो सेम रहेगा घर के लिए 15% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड विच एवर इज लोअर दिस पॉइंट, प्लस ये जो फर्नीचर के लिए मैंने जितना अलग पैसा पे किया होगा टू द थर्ड पार्टी, वो फर्नीचर का जो पैसा मैंने पे किया वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, एंड दिस विल बी योर इनकम बिकॉज यू आर गेटिंग एन इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ दैट। एकदम चोखा, एकदम क्लियर है? ओके, नेक्स्ट बढ़ते हो, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अभी नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेबल है ये, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, जिधर अकोमोडेशन कौन दे रहा है, ये अकोमोडेशन दे रहा है, गवर्नमेंट अकोमोडेशन दे रहा है। इसमें क्या है, लाइसेंस फीस डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट माइनस द रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय, माइनस द रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, एक्चुअली ये रिपीट हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पर, वही मैंने कवर किया था। इसमें एक पॉइंट है, ये जो गवर्नमेंट का जो मैंने ऊपर बात किया ना, राइट, थर्ड एक बार बात कर, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय वाला, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट वाला, जो अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट है ना उसमें भी वो फर्नीचर का पॉइंट आता है कि 10% ऑफ द कॉस्ट अगर एम्प्लॉयर ने वो घर ओन किया होगा, देन इन दैट केस फर्नीचर का कॉस्ट विल बी योर इनकम, और इफ इट इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर होगा तो हायरिंग चार्जेस जो एम्प्लॉयर ने पे किए वो भी ऐड हो जाएंगे। सो दोनों केसेस में एप्लीकेबल होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने दो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने दो। ओके, अभी नोट्स देखते हैं। ये सैलरी हम लोग ने ऊपर देखा कि 7.5, 10, 15 ऑफ सैलरी और 15% ऑफ सैलरी, ये सैलरी एग्जैक्टली क्या होता है? देख, एक छोटा सा ट्रिक याद रखने के लिए, ABCDM। अभी बी जो है ना, बी स्क्वेयर है बिकॉज दो बार बी आता है। ओके, अभी देखते क्या है। ए इज वॉट टैक्सेबल अलाउंस, ए इज वॉट टैक्सेबल अलाउंस, ओके, अलाउंस इज ए। बी इज वॉट बेसिक सैलरी, अभी बी दो है, दूसरा बी क्या है, बोनस। सी क्या है, कमीशन। इसमें सिर्फ टर्नओवर कमीशन नहीं है, ये प्लीज याद रखना। उसके बाद डी है, डी मतलब क्या, डियरनेस अलाउंस, इसमें इन टर्म्स है। एम इज अदर मॉनेटरी इनकम एक्सक्लूडिंग द परक्विजिट्स, मतलब ये सैलरी में प्लीज डू नॉट कंसिडर द परक्विजिट्स। सेक्शन 17 ये तेरे सैलरी में नहीं आना चाहिए, पर मॉनेटरी कुछ भी बेनिफिट मिला होगा तो आएगा। परक्विजिट क्या होता है, नॉन मॉनेटरी होता है, तो वो इसमें ये सैलरी के कंप्यूटेशन में नहीं आएगा। मतलब ये जो ऊपर का सैलरी लेंगे ना हम, 15% ऑफ सैलरी, 7.5, 10 और 15% ऑफ सैलरी, ये सैलरी के कंप्यूटेशन में परक्विजिट हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे फॉर कंप्यूटेशन पर्पज। एक चीज तुझे याद रखना है मालूम है, ये जो कमीशन है ना, कमीशन इस पे तुझे घुमाएंगे, कमीशन में लिखेंगे टर्नओवर कमीशन इतना है, अदर कमीशन इतना है, यू विल गेट कंफ्यूज बिकॉज इन ऑलमोस्ट ऑल फॉर्मूले इट इज रिटन टर्नओवर कमीशन, बट हियर इट इज नॉट टर्नओवर कमीशन। एक चीज प्लीज ध्यान रखना। ओके, पॉइंट 3, ABCDM शुड बी कैलकुलेटेड ऑन ड्यू बेसिस, एडवांस सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी शुड बी इग्नोर्ड, ठीक है, ये सिर्फ ड्यू बेसिस पे होना चाहिए। फॉर कंप्यूटिंग ABCDM रिटायरमेंट बेनिफिट्स शुड नॉट बी कंसिडर्ड, मतलब ग्रेचुटी, पेंशन, लीव सैलरी, VRS, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन एक्सेट्रा शुड नॉट बी कंसिडर्ड। ABCDM शुड बी कंसिडर्ड एट द टाइम फॉर विच
असेसी हैड ऑक्यूपाइड सच हाउस, इसका मतलब ये जो सैलरी है ना, ये सैलरी हम लोग ने क्या अज्यूम किया कि पूरे साल का कंसिडर करेंगे, बट अगर मैं कौन एम्प्लॉयर, तुम्हें, तू कौन एम्प्लॉय, इफ आई हैव गिवन यू दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑन रेंट मतलब रेंट फ्री अकोमोडेशन फॉर ओनली 6 months, तो ये जो ऊपर का पूरा जो कैलकुलेशन होगा ना, सैलरी 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 जिधर जिधर लिखा है, वो सैलरी सिर्फ 6 महीने का कंप्यूट होगा। जो महीने में यू आर रिसाइडिंग इन दैट हाउस, वो महीने का सैलरी सिर्फ कंसिडर होगा और उस पर 15, 7.5 and 10 जो भी कुछ रेट लगेगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। एकदम क्लियर है सबको? एकदम क्लियर है? पूरे साल का गलती से मत लेना, गलती हो सकता है, गलती हो सकता है, पर गलती से भी पूरे साल का मत लेना, ठीक है। पॉइंट 6 इज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स पीएफ, इंटरेस्ट ऑन पीएफ शुड ऑल्सो नॉट टू बी कंसिडर्ड। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड शुड ऑल्सो नॉट टू बी कंसिडर्ड, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट एग्जम्पशन ऑफ 90 डेज फॉर अलॉटमेंट ऑफ टू हाउसेस। इसमें हुआ क्या, ये रिसेंटली एड हुआ है, देखिए क्या है। मैं एम्प्लॉयर हूँ, यू आर द एम्प्लॉय, अब तक मैंने तुझे रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया था इन मुंबई, नाउ आई एम गिविंग यू अनदर रेंट फ्री अकोमोडेशन इन बैंगलोर, बिकॉज क्या होता है कि यू आर स्टेइंग हियर फॉर मंडे ट्यूजडे वेंसडे, करेक्ट, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे यू आर फ्लाइंग टू बैंगलोर एंड वर्किंग देयर फॉर मी ओनली। सो 3 दिन रहने के लिए तुझे मुंबई में जगह दिया, 3 दिन रहने के लिए तुझे बैंगलोर में जगह दिया, सो तेरे पास दो दो रेंट फ्री अकोमोडेशन है। इन दिस केस उन्होंने क्या बोला मालूम है, वो जो दूसरा रेंट फ्री अकोमोडेशन है ना, उसका टू द एक्सटेंट ऑफ 90 डेज है। सी, एक मिनट, मैंने तुझे दो रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया तो तुझे दो बार दो इनकम दिखनी चाहिए, बिकॉज मैंने दो बेनिफिट्स दे रहा हूं तुझे। इफ आई एम गिविंग यू टू हाउसेस ऑन रेंट, दैट इज रेंट फ्री अकोमोडेशन, देन इन दैट केस इट विल बोथ द अमाउंट शुड बी टैक्सेबल इन योर हैंड्स, राइट, बराबर है। तो इन्होंने छोटा सा रिलैक्सेशन दिया है, और रिलैक्सेशन में क्या बोला है मालूम, ये रिलैक्सेशन में बोला है जो दूसरा प्रॉपर्टी है फॉर फर्स्ट 90 डेज, गवर्नमेंट सेड गवर्नमेंट विल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फॉर फर्स्ट 90 डेज, बट एक बार 90 डेज कंप्लीट हो गया, वो बैंगलोर प्रॉपर्टी पे भी रेंट फ्री अकोमोडेशन चालू हो जाएगा और उस पर टैक्स कलेक्ट करना चालू करेंगे। इसका मतलब मुंबई का तो पहले से ही रेंट फ्री अकोमोडेशन पे यू आर कंसिडरिंग द अबव कंप्यूटेशन एंड कंसिडरिंग दैट अमाउंट एज सैलरी, वैसे ही तो सैलरी कंसिडर कर रहे हैं, बट अभी बैंगलोर भी एडिशन में आ गया, अभी बैंगलोर भी एडिशन में आ गया, तो डे वन से हम लोग बैंगलोर का भी प्रॉपर्टी का कंसिडर करेंगे क्या सैलरी में? नो, फॉर द फर्स्ट 90 डेज प्लीज डू नॉट कंसिडर एनीथिंग, बिकॉज फर्स्ट 90 डेज गवर्नमेंट ने सीधा एग्जेम्पशन दे दिया है। बट अगर यू आर स्टेइंग फॉर मोर देन 90 डेज इन बैंगलोर प्रॉपर्टी, तो गवर्नमेंट सेड की नहीं कि दो दो तुझे डेफिनेटली बेनिफिट मिल रहा है, तो दो दो प्रॉपर्टीज का जो अगर तुझे बेनिफिट मिलता होगा, सो दोनों प्रॉपर्टीज विल बी कंसिडर्ड इन योर रेंट फ्री अकोमोडेशन एंड बोथ द इनकम्स विल बी एडेड टू योर सैलरी। ये उन्होंने लिखा है नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट में, एक बार मैं पढ़ता हूँ। एग्जेम्पशन ऑफ 90 डेज फॉर अलॉटमेंट ऑफ टू हाउसेज वेयर द एम्प्लॉई इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ही हैज बीन प्रोवाइडेड अकोमोडेशन एट न्यू प्लेस टू, दैट इज बैंगलोर, देन द वैल्यू ऑफ परक्विजिट शुड बी टेकन फॉर ओनली वन ऑफ सच हाउस फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। सिर्फ 90 डेज के लिए एक प्रॉपर्टी कंसिडर करेंगे, बट एक बार 90 डेज क्रॉस हो गए तो दोनों प्रॉपर्टीज का यही सेक्शन के हिसाब से कंप्यूटेशन होगा और दोनों फिगर्स तेरे इनकम में एड हो जाएंगे। जितना मैंने डिटेल में ये समझा सका, उतना मैंने डिटेल में ये एक्सप्लेन किया। आई होप यू आर क्लियर विथ दिस रेंट फ्री अकोमोडेशन। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज होटल बेनिफिट और अकोमोडेशन बेनिफिट। नाउ द टैक्सेबल अमाउंट, देख, होटल का बेनिफिट दिया, अकोमोडेशन का बेनिफिट दिया, इधर होटल का बात कर रहा है, मतलब परमानेंट रहने के लिए बात नहीं कर रहे, महीने रहने के लिए बात नहीं कर रहे, होटल का बात कर रहा है। देन इन दैट केस टैक्सेबल अमाउंट इज गोइंग टू बी 24% ऑफ सैलरी, 24% ऑफ सैलरी। सैलरी मतलब क्या, सेम अपना ए बी सी डी एम वाला बी स्क्वायर है, इधर भी बी स्क्वायर इधर लिखा नहीं है, बट बी स्क्वायर है वो अपना पहले का ही। 24% ऑफ सैलरी और हायर और रेंट चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, जो भी एम्प्लॉयर ने तेरे लिए पे किया होगा, देन इट विल बी योर बेनिफिट एंड दैट विल बी योर इनकम। सो विच एवर इज लोअर विल बी योर टैक्सेबल अमाउंट। परफेक्ट। इफ द होटल फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय एंड इफ इट इज अप टू 15 डेज, देन इट इज नॉट टैक्सेबल। ओके, अगर एम्प्लॉय ट्रांसफर हुआ तो 15 डेज के लिए अकोमोडेशन दे सकते हैं, 15 डेज तक टैक्सेबल नहीं होगा, बट अगर 15 डेज से ज्यादा अकोमोडेशन दिया, देन इन दैट केस द एंटायर अमाउंट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, बेसिस द अबव कैलकुलेशन, ठीक है।
in-house facility and hotel facility, in-house facility and hotel facility, if the employer recovers any rent from the employee, then such rent should be deducted from the above taxable amount. Of course, अगर मैं कौन सा तुझे होटल बेनिफिट दे रहा हूँ एंड से फॉर एग्जाम्पल 60,000 का, बट यू हैव ऑलरेडी पेड 20,000 फॉर दैट, सो इज योर बेनिफिट 60,000 और 40,000? योर बेनिफिट इज 40,000 बिकॉज 20,000 यू हैव ऑलरेडी पेड ना. ये पॉइंट है, ठीक है. सो ये होटल बेनिफिट का पॉइंट हुआ. नेक्स्ट इज कार फैसिलिटी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. रेंट फ्री अकोमोडेशन जैसे इसको ट्रीट करना बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देख, इफ द कार इज यूज्ड फॉर ऑफिस पर्पज ओनली, इफ द कार इज यूज्ड फॉर ऑफिस पर्पज ओनली, देन इट इज फुल्ली एंड फुल्ली एग्जेम्प्ट बिकॉज यार पर्सनल पर्पज के लिए कुछ यूज हो ही नहीं रहा, जो हो रहा है वो ऑफिस पर्पज के लिए हो रहा है. सो आर यू यूजिंग इट फॉर योर ओन बेनिफिट? नो, ऑफिस के लिए हो रहा है एंड दैट्स व्हाई इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. That's why it is fully exempt. Of course, ये office purpose के लिए ही हो रहा है कि नहीं, इसके लिए जो proofs होंगे, proofs अगर assessing officer ने पूछा तो तुझे दिखाने पड़ेंगे. Point number one, if the car is used for office purpose, तुझे कुछ benefit नहीं मिल रहा है and that is why it is entirely exempt. Second आते हैं, car is used for fully personal. भाई सवाल ही नहीं है, तेरे हाथ में तो टैक्स लगना ही है बिकॉज इट इज फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए. मैंने तुझे अय्याशी करने के लिए, गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए एक गाड़ी दिया, गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए एक गाड़ी दिया, फर्स्ट वाइफ को घुमाने के लिए और तीसरा गाड़ी दिया तीसरे वाइफ को घुमाने के लिए. ऐसा मैंने तुझे बेनिफिट्स ऑलरेडी दे दिए हैं एंड इन दैट केस आर यू यूजिंग एनी ऑफ द कार फॉर द ऑफिस पर्पस? नो. सो कैन आई से ये सब पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज हो रहा है पूरी गाड़ी? In that case, whatever benefit you are getting, it will be taxable. तो ये taxable कैसे होगा वो एक बार देखते हैं. अभी इसमें if the देखेंगे कि car own कौन कर रहा है. If the car is owned by the employer, then in your hands 10% of the cost will be your income. जितना कार का कॉस्ट है उसका 10% विल बी योर इनकम. सेकंड, अगर मैंने, इट इज नॉट ओन्ड बाय मी, इट इज हायर्ड बाय मी, तो मैंने तेरे लिए हायर चार्जेस पे किए, सो ऑफ कोर्स व्हाट एवर चार्जेस आई पेड इट विल बी योर इनकम बिकॉज यू आर सपोज टू पे, यू डिड नॉट पे, यू सेव दैट मनी. वाई? बिकॉज आई मेड अ पेमेंट ऑफ दैट मनी, ऑफ दैट अमाउंट, एंड दैट इज वाई व्हाट एवर अमाउंट आई पेड ऑन योर बिहाफ इट विल बी योर इनकम फ्रॉम सैलरी. परफेक्ट है. ये तो एक पार्ट हुआ गाड़ी का. उसके साथ साथ अगर मैंने तुझे ड्राइवर भी दिया होगा तो ड्राइवर चार्जेस जो होंगे, जो ड्राइवर का सैलरी होगा जो मैंने पे किया, वो भी तेरे टैक्सेबल अमाउंट में ऐड हो जाएगा. एंड नेक्स्ट वन इधर ये है, नेक्स्ट वन इज रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस. रनिंग एंड मेंटेनिंग चार्जेस मतलब क्या है? मेंटेनेंस रे. गाड़ी में सबसे ज्यादा कॉस्ट किधर जाता है? मेंटेनेंस में जाता है. 6-6 महीने के बाद जरा उसको मेंटेन करना पड़ता है एंड दैट इज वाई जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो भी मैंने अगर पे किए होंगे. सो कैन आई से सब कुछ तेरे लिए बेनिफिट है? मैंने तुझे गाड़ी भी दिया, मैंने तुझे ड्राइवर भी दिया और सब रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस भी मैं ही बेयर कर रहा हूँ. सो वॉट एवर अमाउंट आई spent on you, it will be taxable in your hands. ये पार्ट एकदम क्लियर है, परफेक्ट है. सो फर्स्ट इज कार यूज्ड फॉर ऑफिस पर्पस, नो टैक्सेबल अमाउंट. कार यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, देन देर विल बी टैक्सेबल अमाउंट. कार का एक पॉइंट, ड्राइवर का एक पॉइंट एंड थर्ड इज रनिंग एंड मेंटेनेंस का एक पॉइंट. ये सब ऐड होके तेरा टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कार इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस एंड कार इज यूज्ड फॉर पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस एंड पार्टली फॉर ऑफिस पर्पस. ध्यान देना पूरा. इसमें ना प्रॉब्लम कैसे होता है, देख प्रॉब्लम कैसे होता है. एक मैंने तुझे गाड़ी दिया बट यू आर यूजिंग दैट कार फॉर पर्सनल पर्पस ऑल्सो एंड यू आर यूजिंग दैट कार फॉर ऑफिस पर्पस ऑल्सो, देन हाउ टू बाइफरकेट कि तू कितना परसेंटेज ऑफिस यूज के लिए कर रहा है और कितना परसेंटेज पर्सनल यूज के लिए कर रहा है. तो इसीलिए ना गवर्नमेंट ने बोला ये हम लोग को झंझट में पड़ना ही नहीं है. एक काम करो, हम लोग तुझे बोलेंगे, गवर्नमेंट विल टेल यू कि वॉट अमाउंट यू शुड कंसिडर एज सैलरी. ठीक है, तो क्या है, देखेंगे कि ये जो गाड़ी है वो हु इज ओनिंग दैट कार. एकदम आराम से देखना, मैं एम्प्लॉयर हूँ, तू एम्प्लॉय है. If the car is owned by you only, आराम से देखना, आराम से सुनना. गाड़ी है, it is owned by you only. Running and maintenance charges are paid by you only. You only tell me what benefit did you get. गाड़ी तेरा, running and maintenance charges भी तूने भरा. So what benefit did you get? Nothing. That is why the answer is what? No benefit, no tax. एकदम clear? Okay. अगर ऐसा हुआ, गाड़ी तेरा, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस मैंने भरा,
देन यू विल से कि हाँ ठीक है ना, तो गाड़ी तेरा है तो गाड़ी का तो सवाल ही नहीं है, बिकॉज गाड़ी का बेनिफिट यू आर नॉट गेटिंग, बट रनिंग एंड मेंटेनेंस आई पेड ना, रनिंग एंड मेंटेनेंस आई पेड, तो यू विल से कि सिंपल है सर, जितना रनिंग एंड मेंटेनेंस मैंने पे किया उतना आपका सैलरी बन जाएगा. नहीं ना, जितना मैंने रनिंग एंड मेंटेनेंस पे किया है उसमें दो पार्ट से, वो रनिंग एंड मेंटेनेंस मैंने जो गाड़ी के लिए किया है वो गाड़ी ऑफिस पर्पस के लिए भी भागती है और पर्सनल पर्पस के लिए भी भागती है. एंड दैट इज व्हाई एंटायर अमाउंट ऑफ रनिंग एंड मेंटेनेंस आई कैन नॉट कंसिडर एज योर सैलरी. जितना पर्सनल का कंपोनेंट है ना उतना तेरे हाथ में सिर्फ टैक्सेबल होगा, ऑफिस पर्पस के लिए जितना यूज किया उतना टैक्सेबल नहीं होगा. और ये पर्सनल और ऑफिस बायफर्केट कैसे करें, इसीलिए उन्होंने बोला टैक्सेबल अमाउंट विल बी रनिंग एंड मेंटेनेंस जितना मैंने भरा वो ले ले माइनस 1800 पर मंथ और 2400 पर मंथ एज द केस में भी माइनस कर. अभी 1800 कभी व्हेनेवर द कार इज हैविंग लेस देन 1600 सीसी, छोटी गाड़ी है, अगर छोटी गाड़ी होगी तो 1800 पर मंथ तुझे रिड्यूस करना है फ्रॉम माय रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस. पहले मैंने जितना भरा था उसमें से 1800 माइनस करना है पर मंथ. और अगर वो गाड़ी बड़ी गाड़ी है देन इट इज 2400. बड़ी मतलब क्या, द कार हैविंग मोर देन 1600 सीसी, उसके लिए 2400 पर मंथ माइनस करूंगा. अंडरस्टैंड दिस इज द डिडक्शन विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू यू. यू टेल मी 1800 और 2400 बिलोंग्स टू पर्सनल पर्पस और ऑफिस पर्पस, ये माइनस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उन्होंने ऐसा अज्यूम किया है 1800 और 2400 बिलोंग्स टू ऑफिस पर्पस, और ऑफिस पर्पस का जो टोटल आरएनएम जो रनिंग एंड मेंटेनेंस था उसमें से मैंने ऑफिस पर्पस बाहर निकाला, कितना क्या बाकी रह गया, ये पर्सनल पर्पस का रनिंग एंड मेंटेनेंस बाकी रह गया. एंड दिस इज योर इनकम, एकदम क्लियर है? ओके, ये हमारा पॉइंट था. कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉई, नाउ द कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर होगा तो क्या होगा, मतलब मैं तुझे गाड़ी भी दे रहा हूं, रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन देगा? एक मिनट, कार इज ओन्ड बाय मी, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस आर पेड बाय द एम्प्लॉई दैट इज यू. इन दैट केस तू मुझे बता कि मैं तेरे हाथ में टैक्सेबल अमाउंट गाड़ी का और रनिंग एंड मेंटेनेंस दोनों का होना चाहिए या सिर्फ रनिंग एंड मेंटेनेंस का होना चाहिए या और सिर्फ गाड़ी का होना चाहिए. आई विल रिपीट द क्वेश्चन, कार इज ओन्ड बाय मी, रनिंग एंड मेंटेनेंस पेड बाय यू, वॉट इज द बेनिफिट यू आर गेटिंग? रनिंग एंड मेंटेनेंस नो, बिकॉज यू आर बेयरिंग दैट. तो बेनिफिट इज कार, राइट? So, अगर कार का बेनिफिट होगा, अगर वो कार का बेनिफिट होगा, बिकॉज कार में तुझे दे रहा हूँ ना यूज करने के लिए, एंड दैट कार फैसिलिटी दे रहा हूँ, एंड दैट इज वाई इन योर हैंड्स द टैक्सेबल अमाउंट इज गोइंग टू बी 600 पर मंथ और 900 पर मंथ. ये कभी होगा 600 इफ द कार इज हैविंग लेस देन 1600 सीसी, एंड द कार इज हैविंग मोर देन 1600 सीसी, देन इट इज 900 पर मंथ. अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट पॉइंट एंड द सेकेंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट में जो 1800 और 2400 था, इट वॉज एक्टिंग एज अ डिडक्शन फ्रॉम द टैक्सेबल अमाउंट, बट हियर दिस इज द टैक्सेबल अमाउंट, हियर दिस इज द टैक्सेबल अमाउंट. इस पे भी कंफ्यूजन मत रखना. मैं तुझे बताऊँ, ये पूरा चैप्टर जो है ना, ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है. अगर तुझे फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है, चार्ट अच्छे से याद है, ऐसा निकलेगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ. तुझे सिर्फ चार्ट एक बार ध्यान में रखना है कि एग्जैक्टली इसमें इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है. 1800 टैक्सेबल अमाउंट नहीं है, 1800 डिडक्शन है. अच्छा, नीचे का 600 और 900 क्या है, वो तो टैक्सेबल अमाउंट है. एकदम क्लियर है? ओके, सेकंड पॉइंट में जाते हैं. कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस आर पेड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब मैं ही सब कर रहा हूं, मैंने तुझे गाड़ी दिया, पॉइंट वन. पॉइंट नंबर टू, मैं ही रनिंग एंड मेंटेनेंस भी पे कर रहा हूं. So, तू सिर्फ बैठा है, तूने कुछ भी खर्चा नहीं किया, देन इन दैट केस तुझे दो दो बेनिफिट मिल रहा है. इधर गाड़ी का भी फैसिलिटी का बेनिफिट मिल रहा है, एंड सेकंड तुझे रनिंग एंड मेंटेनेंस का भी बेनिफिट मिल रहा है. इसका मतलब व्हाट इज द टैक्सेबल अमाउंट, द टैक्सेबल अमाउंट विल बी हायर देन 600 900 जो लेफ्ट हैंड साइड में देखा, इसमें टैक्सेबल अमाउंट होगा 1800 और 2400. कभी 1800 सेम अपना 1600 के नीचे वाला गाड़ी होगा तो 1800, 2400 कभी whenever it is higher than 1600 cc. Clear छे एकदम? Again I am telling you, left hand side वाला जो 1800 था it was a deduction, right hand side वाला जो है it is a taxable amount. Now तुझे एक थोड़ा logically समझाता हूँ. जो
कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब एक्सट्रीम राइट साइड पे जो कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है उसमें दो हम लोग ने देखे थे, एम्प्लॉय ने अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस पे किया तो क्या, एम्प्लॉयर ने रनिंग एंड मेंटेनेंस पे किया तो क्या, एम्प्लॉय ने पे किया तो टैक्सेबल 600 था, अभी 600 इधर क्यों और राइट हैंड साइड में 1800 क्यों, बिकॉज 600 के केस में सिर्फ कार का फैसिलिटी मिल रहा है, तुझे सिर्फ कार का फैसिलिटी मिल रहा है, रनिंग एंड मेंटेनेंस तो यू आर ओनली बेरिंग नो, एंड दैट इज वाई दैट अमाउंट विल बी लोअर देन द राइट हैंड साइड वाला अमाउंट, बिकॉज राइट हैंड साइड जो 1800 है उसमें कार का भी अमाउंट है एंड रनिंग एंड मेंटेनेंस का भी अमाउंट है, एकदम क्लियर है? ओके, नाउ स्पेशल नोट्स में इफ द एम्प्लॉयर ऑल्सो प्रोवाइडेड द ड्राइवर, उसमें ये जो जो हम लोग ने लिमिट्स देखे ना उसमें 900 पर मंथ ऐड करो, अगर एम्प्लॉयर ने ड्राइवर दिया तो जो जिधर जिधर देखा उधर उधर 900 ऐड करो, मतलब अगर 1800 राइट हैंड साइड वाला जो 1800 है पर मंथ वो है और ड्राइवर भी दिया तो 1800 प्लस 900 ये ऐड होगा, बराबर है? ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, इफ मोर देन वन कार इज यूज्ड फॉर पार्टली ऑफिस एंड पार्टली पर्सनल पर्पस, नंबर दो गाड़ियां है देन वन कार, एक मिनट, मैंने तुझे दो गाड़ियां दी तो दोनों गाड़ियां ना पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल के लिए यूज कर रहा है दोनों गाड़ियां, देन वन कार इज टैक्सेबल अकॉर्डिंग टू द अबाउ स्टैंडर्ड अमाउंट, मतलब एक गाड़ी इसके हिसाब से टैक्सेबल होगा, और सेकेंड गाड़ी जो है ना ऐसा अज्यूम किया जाएगा कि इट इज गेटिंग यूज ओनली फॉर पर्सनल पर्पस और होली फॉर पर्सनल पर्पस, मतलब कैटेगरी टू में फॉलो होगा, वो कैटेगरी टू में फॉलो होगा सेकेंड कार, दो गाड़ियां दी, दो बोथ द कार्स आर यूज फॉर ऑफिस एज वेल एज पर्सनल, देन इन दैट केस वन कार विल बी कंसिडर्ड एज पर कैटेगरी थ्री ओनली, बट द सेकेंड कार विल बी अज्यूम्ड दैट इट विल बी अज्यूम्ड दैट द सेकेंड कार इज यूज होली इज फुल्ली इज यूज ओनली फॉर पर्सनल पर्पस, even though actually it is getting used for both personal and office. I hope you are clear with this particular point. Abhi hum log aage badhte hai. Transport facility for transport employees, free tickets diya. For airlines and railway employee, airlines and railway facility is fully exempt. For other employees, it is fully taxable. Ek bar fatafat padh lena. Education facility for employee, it is fully exempt. For children, it will be exempt. But isme kuch condition hai. अगर तेरा वैल्यू ऑफ एजुकेशन इज अप टू 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, इफ कंडीशन नंबर वन, एंड एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर्स ओन इंस्टीट्यूशन, ये दो कंडीशन तेरे अगर सेटिस्फाई हो गए तो चिल्ड्रन का भी एजुकेशन एग्जेम्प्ट है, बट तू बता यार 1000 पर मंथ में किधर एजुकेशन मिलता है आजकल, ठीक है? अदर रिलेटिव्स होंगे इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल, फॉर अदर रिलेटिव्स इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल, फ्री सर्वेंट दिया इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल इन योर हैंड्स, एनी अदर परक्विजिट्स होंगे इट विल बी फुल्ली एंड फुल्ली टैक्सेबल. नाउ फॉलोइंग परक्विजिट्स आर फुल्ली एग्जेम्प्ट, कौन से है? टेलीफोन एंड मोबाइल बिल और रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, टेलीफोन और मोबाइल बिल पेड और रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, वापस पढ़ता हूँ, टेलीफोन और मोबाइल बिल पेड और रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉई ने उसका मोबाइल का बिल भरा और मैंने तुझे उसका रीइंबर्समेंट दे दिया, ये परक्विजिट मत मानो, इस पे टैक्स मत कलेक्ट करो. स्कॉलरशिप टू एम्प्लॉईज चिल्ड्रन, अरे अच्छा काम कर रहे यार तो उस पे टैक्स मत लगा, स्कॉलरशिप दे रहे तो इट इज नॉट टैक्सेबल. गुड्स सोल्ड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एट रीजनेबल प्राइस, हम लोग जो बिजनेस में है, मैं एम्प्लॉयर हूं यू आर द एम्प्लॉई, मैंने तुझे अगर अपने ही कंपनी के कुछ गुड्स बेचे बट एट रीजनेबल प्राइस, यू पेड फॉर दैट, देन इट इज नॉट अ परक्विजिट. Tax on non-monetary perquisites paid by the employer. Tax on non-monetary perquisites, अगर उस पर मैंने tax pay किया होगा, then in that case, it will not be considered as your perquisites. Point number 15 is professional tax. It means tax on employment. It means tax on employment. If it is paid by the employer on behalf of the employee, then first it should be taxable and thereafter deduction allowed under section 16. एक मिनट, वापस पढ़ेंगे. First is प्रोफेशनल टैक्स, इट मीन्स टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? अगर अभी देख तुझे ना प्रोफेशनल टैक्स पे करने का डिडक्शन तो मिलने ही वाला है, ये ना प्लीज अच्छे से समझना, प्रोफेशनल टैक्स तुझे पे करने का डिडक्शन मिलने ही वाला है. इफ यू मेक अ पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स तो क्या होगा, जो सैलरी कंप्यूट करेंगे उसमें से प्रोफेशनल टैक्स माइनस करेंगे. एकदम क्लियर, एकदम क्लियर है. मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, तूने खुद से पैसा पे नहीं किया, मैंने तेरा प्रोफेशनल टैक्स पे किया, देन क्या होगा, तुझे डिडक्शन तो मिल जाएगा बट डिड यू पे, नो. इस ये केस में सिंस आई पेड दैट प्रोफेशनल टैक्स ऑन योर बिहाफ
इट विल बी योर इनकम फर्स्ट, तो इनकम में पहले ऐड होगा एंड उसके बाद तू उसका डिडक्शन ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपीज का तूने प्रोफेशनल टैक्स पे किया, तेरे खुद के पॉकेट से पे किया, सो तुझे कुछ भी इनकम में ऐड नहीं होगा, सीधा प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन ले लेना 2000 रुपीज। एकदम क्लियर है? अभी मैंने तेरा प्रोफेशनल टैक्स पे किया, सो कैन आई से इट इज योर बेनिफिट? यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी एडेड टू योर इनकम एंड देन यू कैन टेक अ डिडक्शन ऑफ दैट 2000 अगेन। सो कैन आई से यू डिड नॉट गेट अ बेनिफिट बिकॉज यू आर फर्स्ट एडिंग 2000 एंड देन यू आर रिड्यूसिंग 2000। So ultimately you are not getting any benefit of that particular professional tax, but if you make a payment of that professional tax out of your own pocket, you are getting a deduction of that because you are reducing that amount and nothing is getting added. I hope you are clear. बहुत लोगों का इसमें confusion होता है और वो silly mistakes करके आता है, मतलब इस पे I had spent some half an hour to explain this in detail, but I hope जितना मैंने अभी explain किया तुझे समझा है, नहीं समझा एक बार rewind करके देख, I'm sure तुझे समझ जाएगा, और अगर तो भी नहीं समझा तो मुझे contact कर, मैं तुझे समझा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? ओके। एंटरटेनमेंट अलाउंस, इट इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज बट डिडक्शन इज अलाउड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अंडर सेक्शन 16 एज फॉलोज, ठीक है? फर्स्ट इज 20% ऑफ बेसिक सैलरी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड मैक्सिमम 5000 व्हिच एवर इज लोअर, इट इज गोइंग टू बी योर डिडक्शन, तुझे इतना डिडक्शन मिल जाएगा, ओके? सबको एवरीबडी विल गेट स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज। Now 50,000 rupees और अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, अगर तेरा सैलरी 40,000 है तो तुझे 50,000 का ऑफकोर्स डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट अगर तेरा सैलरी 70,000 है तो 70 से माइनस करूंगा 50,000। एकदम परफेक्ट, सही है। उसके बाद एक कंसेप्ट है पे स्केल का। पे स्केल क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर अमित ज्वाइंड रेलवेज एज ऑन 1/6/2011 ऑन अ पे स्केल ऑफ 10,000, 1,000, 12,000, 2,000, 18,000, 3,000। कंप्यूट द सैलरी ऑफ असेसमेंट ईयर 15-16। एक चीज मैं तुम लोग को बताता हूँ, पे स्केल का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तभी एक चीज याद रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का दे आर आस्किंग फॉर अ सैलरी। इधर असेसमेंट ईयर 15-16 है, मतलब कैन आई से दे आर आस्किंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 14-15। दे आर आस्किंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 14-15 दोस्त, दे आर आस्किंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 14-15। बराबर, ये चीज दिमाग में फिट करना पहले, ओके? उसके बाद हम लोग कंप्यूट करेंगे पे स्केल। पहले देखते हैं पे स्केल रीड कैसे करता है। 10,000, 1,000, 12,000, 2,000, 18,000, 3,000, मतलब ज्वाइन करने के बाद एक साल उसका सैलरी होने वाला है 10,000, उसके बाद एक साल होने के बाद उसका सैलरी बढ़ने वाला है बाय 1,000, सो उसके नेक्स्ट ईयर होगा 11,000, उसके नेक्स्ट ईयर वापस 1,000 बढ़ेगा, तो इट विल बिकम 12,000। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज योर, इट इज 12,000, राइट? सो 12,000 जब ही पहुंचेगा ना, उसके बाद 1,000 नहीं बढ़ेगा, उसके बाद क्या है, 12,000 के बाद क्या लिखा है, 2,000। सो जब भी 12,000 हो जाएगा, उसके बाद उसके नेक्स्ट ईयर 12,000 प्लस 2,000 बढ़ेगा। 2,000 कितने साल बढ़ेगा, जब तक वो सैलरी 18,000 नहीं पहुंचता, और एक बार वो 18,000 पहुंचा, उसके बाद वो 3,000 से एवरी ईयर बढ़ेगा। तो ये जो 10,000 है ना, इज द सैलरी अमाउंट, 1,000 इज द इंक्रीमेंट अमाउंट, 1,000 विल बी एडेड टू 10,000 फॉर एज मेनी इयर्स एज इट रीचेस 12,000 रुपीज। एक बार 12,000 पहुंचा, उसके बाद इंक्रीमेंट 2,000 का होगा आगे के सालों में, टिल इट बिकम्स 18,000, एंड 18,000 के बाद 3,000 का होगा। सर उसके बाद क्या, उसके बाद तुझे और एक पे स्केल मिल जाएगा। सो इधर एग्जाम्पल के लिए हम लोग को क्या समझना है, फाइनेंशियल ईयर 14-15। तो मैं ज्वाइन कभी किया था, 1/6/2011। सो 1/6/2011 टू 31/5/2012 तक मेरा सैलरी कितना था, 10,000 रुपीज। पहले लिख दे, उसके बाद 1/6/2012 टू 31/5/2013 इट इज 11,000, 1/6/2013 टू 31/5/2014 इट इज 12,000, एंड 1/6/2014 टिल 31/5/2015 इट इज 14,000। वॉट इज माई रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर, माई रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर इज 14-15। 14-15 स्टार्ट कब से होता है, 14-15 स्टार्ट होता है 1 April 2014 टिल 31st March 2015। Till 31st of March 2015, आ रहे फटाफट, क्यों नहीं आ रहा अभी, अपना टाइम ले रहा है, एकदम मस्त, ओके, फाइनली
सो 1/4/2014 तू बता तेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो चार्ट निकाला है वो चार्ट में 1/4/2014 का कुछ तुझे पर मंथ सैलरी दिख रहा है क्या? ये किधर आएगा 1/4/2014? देखना इधर आएगा ना ये पार्ट में 1/6/2013 से लेके 31/5/2014 तक तेरा पर मंथ सैलरी कितना था? 12,000. सो 12,000, सो 31/5/2014 तक 12,000 था ना. सो कैन आई से 1/4/2014 एंड मे 2014 ये दो महीने के लिए मुझे मालूम है मेरा पर मंथ सैलरी कितना होने वाला है? 12,000 रुपीज. सो इसीलिए 12,000 रुपीज इंटू टू मंथ्स के लिए प्लस आगे के 10 महीने बाकी है. आगे के 10 महीने मैं इधर से लूंगा 14,000 से. सो 14,000 इंटू 10, सो मुझे 1,64,000 सैलरी मिल जाएगा कंसिडरिंग द पे स्केल विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. एंड दिस इज हाउ यू विल कंप्यूट द सैलरी एज पर द पे स्केल. आई होप यू आर क्लियर विथ द पे स्केल एग्जाम्पल ऑल्सो. द नेक्स्ट वन इज वैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स. ये स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ईसॉप जैसे हम लोग ने किया था ना, ईसॉप जैसा ही पूरा कंसेप्ट है. अभी ये स्वेट इक्विटी शेयर्स मतलब क्या? बेसिकली जो शेयर होल्डर्स होते हैं और एम्प्लॉयज होते हैं वो एम्प्लॉयज को कंसेशनल रेट्स पे शेयर्स दिए जाते हैं कंपनी के. और जो कंसेशनल रेट फॉर एग्जाम्पल 1,000 इज द फेयर मार्केट वैल्यू, उनको मिलता है 200 रुपये में. इसका मतलब 800 रुपये का बेनिफिट हुआ उनको, बिकॉज अगर वही मार्केट में जाके खरीदेंगे तभी उनको 1,000 रुपीज इट विल कॉस्ट. बट इफ दे आर परचेसिंग फ्रॉम द कंपनी इट विल कॉस्ट ओनली 200, विच मीन्स इट इज अ बेनिफिट ऑफ 800 रुपीज फॉर दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉई. एंड दैट इज वाई वो जो 800 रुपीज है दैट विल बी कंसिडर्ड एम्प्लॉयज परक्विजिट. इट विल बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयज परक्विजिट. और इसका ही मैं थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करूंगा और ये एक डायग्राम से तुम लोग को पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा. रिलायंस करके कंपनी है, रिलायंस ने एक ऑफर दिया है अनुष्का चोपड़ा को. ओके, अनुष्का चोपड़ा को एक ऑफर दिया है ऑफ 10,000 शेयर्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ ₹200 पर शेयर. ओके, ये ऑफर दिया कभी? ऑन 1/10/2020 को ये ऑफर अनुष्का चोपड़ा को मिल गया. 1/10/2020 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 में उसको ऑफर मिला था, जो दिन पे फेयर मार्केट वैल्यू था 1,200 पर शेयर. ये तो ऑप्शन दिया है. ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा टाइम तो देंगे कि नहीं? तो थोड़ा टाइम दिया रिलायंस ने अनुष्का चोपड़ा को और अनुष्का चोपड़ा एक्सरसाइज्ड दैट ऑप्शन ऑन 12/1/2021. ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? सेम फाइनेंशियल ईयर 3 महीने के बाद, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2021. मतलब ऑप्शन एक्सरसाइज कभी किया? 12/1/2021 को. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो दिन पे फेयर मार्केट वैल्यू कितना था? वो दिन पे फेयर मार्केट वैल्यू था 1,000 रुपीज. नाउ शेयर्स अलॉट कभी हुए? एक्सरसाइज तो कर दिया, अभी शेयर्स थोड़ी ना, चल एक्सरसाइज किया धड़ाधड़ शेयर्स अलॉट हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता. तो शेयर्स अलॉट होने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है. शेयर्स अलॉट कभी हुए? शेयर्स अलॉट हुए ऑन 10/4/2021. मतलब कैन आई से इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2021-22. नाउ द क्वेश्चन कम्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो 10,000 शेयर्स दिए एट ए डिस्काउंटेड प्राइस अनुष्का चोपड़ा के हाथ में, वो टैक्स होगा कि नहीं? डेफिनेटली टैक्स होगा. जितना बेनिफिट मिला अनुष्का चोपड़ा को उतना अनुष्का चोपड़ा के हाथ में टैक्स हो जाएगा. व्हाट इज द बेनिफिट? फेयर मार्केट वैल्यू माइनस 200, बिकॉज 200 रुपीज में उसने परचेज किए थे. इन दिस केस द क्वेश्चन कम्स, ये फेयर मार्केट वैल्यू कौन से दिन का कंसिडर करे? एट द टाइम वेन रिलायंस गेव एन ऑप्शन टू अनुष्का चोपड़ा, और वेन एवर अनुष्का चोपड़ा एक्सरसाइज द ऑप्शन? हियर द आंसर इज Whenever Anushka Chopra exercised the option, can I say वो दिन पे हम देखेंगे कि what is the difference? तो वो दिन कौन सा है? 12/1/2021 के दिन पे देखते हैं कि what is the fair market value. The fair market value is 1,000 rupees, and that is why 1,000 rupees minus 200 मतलब 800 रुपए का total Anushka Chopra को benefit हुआ था. So 800 rupees into 10,000 shares, it will be Anushka Chopra's gains. If Anushka Chopra's gains matlab Anushka Chopra's benefit, and it will be taxable as salary in the hands of Anushka Chopra as perquisite. The next question comes, sir, hum log ko ye samjha, par ye taxable kaun se financial year mein hoga? In the year of exercise of option or in the year of allotment of shares? Because agar 2021 mein agar maine dekha to 2021 mein kuch mujhe shares mile hi nahi the. मुझे शेयर्स मिले कभी? मुझे शेयर्स मिले 21-22 में. सो 2021 में मुझे टैक्स लगेगा या 21-22 में मुझे टैक्स लगेगा? तो इसका उन्होंने आंसर दिया है, जब भी शेयर्स अलॉट हुआ है उसको भूल जाओ.
जब भी ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ वो फाइनेंशियल ईयर कंसिडर करो फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब ऑप्शन एक्सरसाइज होने का दिन कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो दिन पे फेयर मार्केट वैल्यू भी हम कंसिडर कर रहे हैं एंड वो साल भी कंसिडर कर रहे हैं जो साल में ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ है। सो तुम जस्ट यू टेल मी इट विल बी टैक्सेबल इन विच फाइनेंशियल ईयर, इट विल बी टैक्सेबल इन फाइनेंशियल ईयर 2021, दैट इज इन द ईयर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। परफेक्ट। द नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यूएशन होगा कैसे। FMV एज ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन दैट इज 1000 रुपीज माइनस अमाउंट विच इज एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय दैट इज 200 रुपीज। सो टैक्सेबल परक्विजिट पर शेयर इट इज गोइंग टू बी 800 इंटू जितने नंबर ऑफ शेयर है दैट इज 10,000। सो 800 इंटू 10,000 दिस विल बी कंसिडर्ड एज दैट एम्प्लॉयज परक्विजिट एंड इट विल बी टैक्सेबल एज सैलरी। एकदम क्लियर है? ऐसा एक बड़ा क्वेश्चन बन के आ सकता है बड़े पैराग्राफ फॉर्मेट में, बट हम लोग को एक चीज याद रखना है, फेयर मार्केट वैल्यू कौन सा लेना है। फेयर मार्केट वैल्यू लेना है ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ तभी का, कौन से साल में टैक्स होगा, जो साल में ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ, खेल खत्म। एकदम क्लियर है? ओके ग्रेट, अभी मैं आगे बढ़ता हूं। जनरल रूल क्या दिया है? द जनरल रूल इज टैक्स ऑन परक्विजिट, द टैक्स ऑन परक्विजिट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, जस्ट वन मिनट, tax on perquisite of specified securities and sweat equity shares is required to be paid, kabhi bharna padta hai, in the year of exercise of option. However, where such shares or securities are allotted by, agar ye aise entity ne allot kiya hai jo 80 section number 80 IAC mein eligible startup company jaise categorized hota hai. However, where such shares or securities are allotted by the current employer being an eligible startup referred to under 80 IAC, मतलब वो जो 80 IAC के सेक्शन में जो स्टार्टअप के बारे में बात किया है, अगर वो स्टार्टअप अगर एलिजिबल, अगर वो एम्प्लॉयर होगा और मैं एम्प्लॉय रहूंगा, then in that case जो मुझे स्वेट इक्विटी शेयर मिल रहा है उसके लिए इन द ईयर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन टैक्स नहीं लगेगा। ये एक्सेप्शन किसका है? ये एक्सेप्शन टैक्स लगेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला अगर मैं एक एम्प्लॉय हूं, मैं एम्प्लॉय किसका हूं, ये एक एलिजिबल स्टार्टअप कंपनी का एम्प्लॉय हूं, अगर मुझे स्वेट इक्विटी शेयर्स मिलते रहेंगे, देन इन दैट केस इन द ईयर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, इन द ईयर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन मुझे टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने थोड़ा सा टैक्स का पेमेंट डिफर किया। कभी डिफर किया? क्या कौन सा डेट है वो? अर्लीएस्ट ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स क्या लिखा है? ईयर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब जो फाइनेंशियल ईयर में ऑप्शन एक्सरसाइज किया था वो फाइनेंशियल ईयर कौन सा था? मैंने लिखा है फाइनेंशियल ईयर 2021। उसका असेसमेंट ईयर पहले देखो, उसका असेसमेंट ईयर है 2021-22। उन्होंने 48 मंथ्स किधर से बोला है? 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर नहीं, असेसमेंट ईयर, विच मीन्स 48 ईयर्स मतलब 4 साल। फाइनेंशियल ईयर था 2021, उसका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर इज 2021-22। उससे आगे 48 मंथ्स, 2021-22 का लास्ट डेट क्या है? 31-3-2022। उधर से आगे 48 मंथ्स मतलब 23-24-25-26। सो 31-3-2026 इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ईयर ऑफ सेल ऑफ सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर। सेल ऑफ सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर बाय द असेसी। मतलब ऐसा भी हो सकता है ये तो 31-3-2026 तक पहुंचे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसने पहले ही सिक्योरिटी 2024 में ही सेल कर दिया, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 आ जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के साल उसमें वो फाइनेंशियल ईयर में उसने वो सिक्योरिटी सेल कर दिया स्वेट इक्विटी शेयर्स का, ये भी पॉसिबिलिटी आ सकता है। एंड थर्ड इज ईयर इन विच द असेसी सीजेस टू बी द एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। मतलब 25-26 में, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ही लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये भी सिचुएशन है। सो विच एवर इज अर्लियर क्या आता है? विच एवर इज अर्लियर आता है 24-25। तो ये जैसे जो एलिजिबल स्टार्टअप के जो एम्प्लॉयज है जिनको स्वेट इक्विटी शेयर्स मिलते हैं, उनको टैक्स कौन से फाइनेंशियल ईयर में लगेगा? उनको टैक्स लगेगा अर्लीएस्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 24-25। ओके, एकदम परफेक्ट है। अभी जो दिन पे, अभी विच एवर इज अर्लियर क्या आया? 24-25। सो जो क्या था? ईयर ऑफ सेल ऑफ सच, मतलब जो दिन पे उसने सेल किया है,
जो दिन पे उसने सेल किया है, समझो 1 दिसंबर 2024 को उसने वो प्रॉपर्टी सिक्योरिटी सेल किया, इसीलिए 2425 आया ना, 1 दिसंबर 2024। एक बार ये आइडेंटिफाई हुआ ना, उसके बाद देखो कि ये जो 1/12/2024 आइडेंटिफाई हुआ है, उससे विद इन 14 डेज, उससे विद इन 14 डेज यू विल हैव टू एक्चुअली मेक अ पेमेंट टू द गवर्नमेंट। ये जो टैक्स है ना, ये टैक्स ऐसे नहीं रिटर्न ऑफ इनकम के टाइम पे हम लोग भरेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला जो अर्लीस्ट जो डेट आया ना, वो अर्लीस्ट डेट 2024-25 में फॉल हो रहा है, जो डेट पकड़ते हैं समझो 1/12/2024। सो 1/12/2024 के विद इन 14 डेज यू विल हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट। और ये लिखा है ये कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजन में, विद इन 14 डेज फ्रॉम द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, और अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग नीचे देखा तो तीनों पॉइंट सेम है, ये तीनों पॉइंट सेम है। ऊपर क्या जो ऊपर का आंसर आएगा, जो डेट आएगा उस वो डेट के विद इन 14 डेज यू विल हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स टू द गवर्नमेंट। एकदम क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट दिस वैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स। नाउ इनकम फ्रॉम सैलरी का लास्ट पार्ट बाकी है, सेक्शन 1727 एंड सेक्शन 1727A। ओके, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, मैंने सुपर एन्युएशन फंड के टाइम पे आई हैड टोल्ड यू वन थिंग दैट आई विल कीप दिस पॉइंट पेंडिंग, सो ये अभी टाइम आ चुका है। नाउ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स RPF, मैं रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, NPS अंडर सेक्शन 80CCD एंड अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, ये तीनों में जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है, इफ इट इज मोर देन 750,000 रुपीज, तो 750 तक तो टैक्स नहीं लगेगा, बट इन एक्सेस ऑफ 750 जितना अमाउंट एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है फॉर द एम्प्लॉय, इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, समझो 12 लाख रुपीज ये तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, मतलब एम्प्लॉयर ने ये तीनों फंड्स में कॉन्ट्रीब्यूट करके टोटल 12 लाख रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया है, देन इन दैट केस 12 लाख्स में से 750 तक एम्प्लॉय को कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा, बट ऊपर के जो 4,50,000 है उस पे एम्प्लॉय को टैक्स भरना पड़ेगा, बिकॉज दिस विल बी कंसीडर्ड एज एम्प्लॉयज परक्विजिट। अभी उस पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होता है कि नहीं? अभी जो फंड्स है, फंड्स में इंटरेस्ट भी आता है। अभी उन्होंने बोला जो 4,50,000 है ना, जो टैक्सेबल कॉम्पोनेंट है, उस पे जो कॉन्सिक्वेंशियल इंटरेस्ट आएगा, दिस विल ऑल्सो बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। वापिस पूरे 12 लाख पे जो इंटरेस्ट आएगा वो पूरा का पूरा टैक्सेबल नहीं होगा, 12 लाख के जो 750 है पहले, उस पे जो इंटरेस्ट आता है, इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एंड जो ऊपर का है 7,50,000 to 12, मतलब 4,50,000, उस पे जो इंटरेस्ट आता है, दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब एम्प्लॉय के हाथ में दो चीजें टैक्स होंगी, एक तो 7,50,000 के ऊपर का पोर्शन, और दूसरा 7,50,000 के ऊपर का जितना पोर्शन है उस पे इंटरेस्ट। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो ऊपर का इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और इसीलिए उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, और वो फॉर्मूला के हिसाब से वी विल हैव टू कंप्यूट द टैक्स, और ये अपना चैलेंजिंग पार्ट अभी चालू हो जाता है। इसके ये पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे। सी, नीचे देख, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन दोज थ्री फंड्स, मतलब कौन से? रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, 80CCD वाला NPS एंड अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, इसमें टोटल 12 लाख रुपीज एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किए। जो मैंने नीचे लिखा है 7,50,000 तक इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ऊपर के 4,50,000 उस पर एम्प्लॉय को टैक्स भरना पड़ेगा। नाउ ये जो 7,50,000 है, उस पर जो कॉन्सिक्वेंशियल इंटरेस्ट आता है, दिस विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जो कॉन्सिक्वेंशियल इंटरेस्ट आता है ना, दिस विल बी एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, और ऊपर का जो 12 लाख रुपीज पे जितना इंटरेस्ट आता है, 12 लाख मतलब 4,50,000 पे जितना इंटरेस्ट आता है ना, उस पे एम्प्लॉय को टैक्स भरना पड़ेगा। वो पोर्शन पे 4,50,000 के इंटरेस्ट के पोर्शन पे एम्प्लॉय को टैक्स भरना पड़ेगा। परफेक्ट। अभी ये इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन कैसे करना है वो हम लोग अभी समझते हैं ना। उन्होंने फॉर्मूला दिया है, TP इज इक्वल टू PC/2 × R प्लस PC1 + TP1 × R। सर कुछ नहीं समझा, आई नो कुछ नहीं समझा, एक्सप्लेन करता हूँ। दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/2020। 1/4/2020 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 से आगे ये पूरा एप्लीकेबल होने वाला है। ओके, नाउ देखते हैं ये टीपी क्या होता है। टीपी क्या है, हम लोग को क्या आइडेंटिफाई करना है, जो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट है वो आइडेंटिफाई करना है ना। तो एक बार देखते हैं, द टैक्सेबल परक्विजिट अंडर सेक्शन 1727A, 7A मतलब जो मैंने कॉन्सिक्वेंशियल इंटरेस्ट बोला था ना, वो इंटरेस्ट का पार्ट।
फॉर द करंट प्रीवियस ईयर, वही हम लोग को आइडेंटिफाई करना है. उसके बाद है पीसी. पीसी क्या है? पीसी इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज मोर देन 7.5 लाख टू रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एनपीएस एंड अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड ड्यूरिंग द ईयर. मतलब मेरे एग्जाम्पल में 12 लाख जो था वो 12 लाख वो 7 लाख 50 के ऊपर कितना है? 4 लाख 50, राइट? सो 4 लाख 50 विल बिकम द पीसी ईयर. परफेक्ट है. उसके बाद है अपॉन टू है, वो अपॉन टू अभी वो पीसी मिलने के बाद अपॉन टू तो क्या सिंपल है. अभी ये आर क्या है? तो मुझे सर टीपी समझा क्या है, मुझे सर पीसी क्या है समझा, उसके बाद में डायरेक्टली फॉर्मूला के हिसाब से जाता हूँ आर है. अभी ये आर क्या सीन है, ये आर क्या है? आर मतलब आई अपॉन एफ एवरेज. अभी ये आई क्या है? आई इज अमाउंट ऑफ इनकम अक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस करंट प्रीवियस ईयर इन रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एनपीएस एंड एएसएफ. मतलब मुझे टोटल इनकम कितना मिला है, मुझे टोटल इनकम कितना, अमाउंट ऑफ इनकम अक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब आई मतलब टोटल मुझे इनकम कितना मिला है वो पहले आइडेंटिफाई कर इन ऑल द थ्री फंड्स, फ्रॉम ऑल द थ्री फंड्स. ये मेरा बन जाएगा आई. उसके बाद आता है एफ एवरेज. डोंट वरी, वी आर गोइंग टू डू अ सम इन दिस वीडियो ओनली, सो डोंट वरी. आगे सम है तो वो हम लोग करने वाले. बाद में आता है एफ एवरेज. एफ एवरेज मतलब क्या? एफ एवरेज मतलब उन्होंने बोला कि ये जो फंड है, ये जो फंड है, तीनों जो फंड्स हैं उनका ओपनिंग बैलेंस लो और उनका क्लोजिंग बैलेंस लो, ऐड करो और अपॉन टू. मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू किया तो उनको क्या मिलेगा? एफ एवरेज मिलेगा. सो आई समझा, एफ एवरेज समझा. अभी हम आगे बढ़ते हैं. प्लस करना है मुझे. सो इधर तक अपना फॉर्मूला एकदम क्लियर है, पीसी अपॉन टू इंटू आर. अभी नेक्स्ट इज पीसी वन प्लस टीपी वन इंटू आर. ये पीसी वन क्या है? पीसी वन इज फॉर द पास्ट ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर बोल रहा हूं, इनकम टैक्स का प्रीवियस ईयर नहीं, प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल. ये जो पहला जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ना, फर्स्ट कैटेगरी जो है ना, ये फर्स्ट कैटेगरी इज फॉर द करंट ईयर एंड द सेकेंड कैटेगरी जो है ना, दिस इज फॉर द पास्ट ईयर्स. ओके, तो पीसी वन क्या है? पीसी वन इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर मोर देन 7.5 लाख टू आरपीएफ एनपीएस अंडर सेक्शन 80CCD एंड एएसएफ फॉर द प्रीवियस ईयर और ईयर्स कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020 अदर देन द करंट प्रीवियस ईयर. मतलब ये मतलब पिछले सालों में एम्प्लॉयर ने 7.5 लाख के ऊपर ये तीनों फंड्स में कितना इन्वेस्ट किया था, कितना कंट्रीब्यूट किया था, वो सब पिछले साल का एडिशन तुझे ये पीसी वन में करना पड़ेगा. दिस इज वेरी मच सिमिलर टू पीसी. पीसी में क्या था? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन मोर देन 7.5 लाख. अरे वो ये साल के लिए था, फॉर द करंट ईयर. पीसी वन इज फॉर द पास्ट ईयर्स फ्रॉम 1/4/2020. बराबर है. तो ये तेरा पीसी वन भी हुआ. बाद में टीपी वन क्या है? टीपी वन मतलब एग्रीगेट ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट अंडर सेक्शन 17-7A फॉर द प्रीवियस ईयर और ईयर्स कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020 अदर देन द करंट प्रीवियस ईयर. इसका मतलब लास्ट ईयर हम लोग ने जो सेम कंप्यूटेशन किया होगा ना, ये साल का हम लोग क्या डिटरमाइन कर रहे हैं अभी? ये साल का हम लोग टीपी डिटरमाइन कर रहे हैं. टीपी वन मतलब लास्ट ईयर का टीपी. टीपी वन ऑफ द करंट ईयर इज लास्ट ईयर का टीपी. मतलब लास्ट ईयर भी हम लोग ने कुछ ऐसे कुछ किया होगा टैक्सेबल परक्विजिट, वो लास्ट ईयर का टैक्सेबल परक्विजिट का वैल्यू ले लो और ये टीपी वन में सब्स्टिट्यूट करो. समझा कि नहीं? तो अभी हम लोग एक एग्जांपल लेने वाले और एग्जांपल से पूरा समझने वाले. ये अपना लास्ट स्लाइड होगा फॉर द चैप्टर. मिस्टर सुनील इज द सीईओ ऑफ शीतल टेक्सटाइल्स लिमिटेड. हिज बेसिक सैलरी इज 6 लाख पर मंथ. He is paid 8% as dearness allowance. He contributes, मतलब employee का contribution लिखा है. He contributes 10% of his pay and dearness allowance towards recognized provident fund and the company contributes the same amount. Okay? मुझे बताओ कि employee का contribution कितना है. मैं भी compute करता हूँ, तुम लोग भी compute करो. मुझे बताओ कि employee का contribution कितना है. एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? तो पहले 6 लाख पर मंथ है, तो 6 लाख इंटू 12 करूंगा, आई विल गेट 72 लाख. याद रखना. ओके, सो 72 लाख पे 8% तो डियरनेस अलावेंस है, तो कैन आई से इंटू 8% किया तो आई विल गेट 5 लाख 76. सो 5 लाख 76 इज द डियरनेस अलावेंस प्लस 72 लाख. इफ आई डू आई विल गेट
77 लाख 76 थाउजेंड, ये है मेरा सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस। इसका 10% एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट, इसका 10% कितना आता है? इसका 10% कम्स टू 7,77,600। अभी एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग को ये 17(2)(7)(a) में मैटर नहीं करता, वी रिक्वायर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। बट नो नीड टू वरी, बिकॉज इधर उन्होंने क्या लिखा है देखना, थर्ड पॉइंट में ही कॉन्ट्रीब्यूट 10% एंड द एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट द सेम अमाउंट। अरे भाई, मतलब जितना एम्प्लॉय करता है उतना ही एम्प्लॉयर करता है, बराबर है? एंड दैट इज वाई 7,77,600 विल बिकम एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी मुझे बताओ, अभी हम लोग जब भी कंप्यूट करेंगे, कैन आई से 7,50,000 के ऊपर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है एम्प्लॉयर ने? डेफिनेटली एम्प्लॉयर ने 7,50,000 के ऊपर कंट्रीब्यूट किया है, मतलब 7,50,000 तक नो प्रॉब्लम टू द एम्प्लॉय, बट उसका जो ऊपर का अमाउंट है 7,77,600 माइनस 7,50,000, विच मीन्स 27,600 है, दिस विल बिकम एम्प्लॉयज परक्विजिट। This will become employee's perquisite. अभी एक बार वो interest identify करते हैं, उसके पहले हम लोग fourth point पढ़ते हैं। The accumulated balance in the recognized provident fund as on 1/4/2020, 31/3/2021 and 31/3/2022 is 50,35,000, 71,46,700, 94,57,700 respectively. मतलब can I say, ये जो balance दिया है किसके लिए दिया है भाई? ये बैलेंस किसके लिए दिया है? ये बैलेंस दिया, याद है क्या वो एफ एवरेज निकाला था, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू, उसके लिए बैलेंस पूरा दिया है। पूछा क्या है, कंप्यूट द परक्विजिट वैल्यू चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सुनील अंडर सेक्शन 17(2)(7) एंड 17(2)(7)(a). व्हाट इज 17(2)(7)? 17(2)(7) टॉक्स अबाउट, 17(2)(7) टॉक्स अबाउट परक्विजिट जो 7,50,000 के ऊपर है, एंड 17(2)(7)(a) टॉक्स अबाउट इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट ऑन दैट अमाउंट, बराबर। फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021, एंड असेसमेंट ईयर 22-23, मतलब असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर 21-22, एकदम क्लियर है? अभी कंप्यूटेशन करेंगे दोनों फाइनेंशियल ईयर के लिए। लेफ्ट हैंड साइड में बात किया है फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2021, उधर लिखा है असेसमेंट ईयर 21-22, इट इज वन एंड द सेम, एकदम परफेक्ट। अभी यस सॉरी, आई गेस सम माइक इशू, या सो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने बात किया कंप्यूटेशन ऑफ परक्विजिट वैल्यू टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17(2)(7) एंड 17(2)(7)(a) फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021। नाउ पीसी मतलब क्या, पीसी फटाफट बोलो, पीसी मतलब हम लोग 17(2)(7) का बात कर रहे हैं, मतलब जो 7,50,000 के ऊपर है ना वो। सो परक्विजिट वैल्यू हम लोग ने ऑलरेडी डिटरमाइन ये कर दिया है, परक्विजिट वैल्यू टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17(2)(7) इज इक्वल टू 7,77,600 बीइंग एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021 माइनस 7,50,000, इट विल कम टू 27,600, दिस इज गोइंग टू बी माय पीसी। अभी मेरे फॉर्मूला में पीसी वन कुछ भी है क्या? नहीं है, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर 2021 इज द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, इसके लिए लास्ट ईयर मेरे पास कुछ था ही नहीं, बिकॉज ये सेक्शन ही एप्लीकेबल नहीं था, एंड दैट इज वाई पीसी वन एंड टीपी वन ये मैं कभी कंप्यूट कर ही नहीं पाऊंगा, एंड दैट्स वाई इट इज गोइंग टू बी निल, परफेक्ट है? उसके बाद मैं कंप्यूट करूंगा आर। आर क्या है? आर इज आई अपॉन एफ एवरेज। नाउ आई, व्हाट इज आई, आई कैसे कंप्यूट करेंगे? इंटरेस्ट का तो कुछ पार्ट दिया ही नहीं है कि कितना इंटरेस्ट आएगा, तो इधर ना थोड़ा सोचना, फंड का मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है 50,35,000, इसमें ये ओपनिंग बैलेंस है, इसमें मैंने थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉयर ने थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, और उसके बाद 71,46,700 बिकेम द क्लोजिंग बैलेंस, इट बिकेम द क्लोजिंग बैलेंस। मतलब कैन आई से 71,46,700 में से अगर मैंने मेरा कंट्रीब्यूशन निकाला, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन निकाला, और मैंने ओपनिंग माइनस किया, कैन आई से मुझे बाकी का जो अमाउंट होगा दैट इज गोइंग टू बी इनकम, दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्ट कंपोनेंट। वापस बोलता हूं, मेरा ओपनिंग कंपोनेंट, ओपनिंग बैलेंस दिया है फंड का ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 50,35,000,
क्लोजिंग बैलेंस दिया एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दैट इज 71,46,700. ये बीच में हुआ क्या, इतना 21 लाख कैसे बढ़े, क्या क्या हुआ बीच में? मैंने कंट्रीब्यूट किया, मेरे एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया और उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट हुआ और इसीलिए 71,46,000 हुआ. तो इसीलिए हाउ टू कंप्यूट द इंटरेस्ट, क्लोजिंग बैलेंस माइनस माय ओन कंट्रीब्यूशन, आई नो दैट इज 7,77,600, आई नो माय एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आल्सो सेम 7,77,600 एंड माइनस ओपनिंग बैलेंस, द रिजल्टिंग अमाउंट इज गोइंग टू बी माय इंटरेस्ट कंपोनेंट. एकदम लॉजिकली सोचना, तुम लोग को सब कुछ समझेगा, टेंशन मत लेना एकदम. सी व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस इज 71,46,700 माइनस माय ओन कंट्रीब्यूशन दैट इज 7,77,600 माइनस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 7,77,600 एंड माइनस ओपनिंग, यू विल गेट द फिगर ऑफ 5,56,500 एज आई. बाद में आता है एफ एवरेज. एफ एवरेज में क्या होता है, एफ एवरेज में ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू. फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर है 2021. ओपनिंग बैलेंस कौन सा है, ओपनिंग बैलेंस है 50,35,000, क्लोजिंग बैलेंस है 71,46,000. अपॉन टू किया तो आई विल गेट द आंसर ऑफ 60,90,850. मेरे पास आई है, मेरे पास एफ एवरेज है, आई विल गेट द आर एज 0.0914. Now, I have TP1 nil, R also I have. Now, I have all the informations of that, all the information of that particular formula. Now, TP is equal to what? PC. PC kitna hai? Upar dekho. 27,600. Upon 2 karunga. Perfect hai. Into R. R kitna ho? Hum log ne abhi compute kiya 0.0914. Ye hamara first part hua and second part, anyways, it is not applicable. And that is why 1261 will become my perquisite. Under section 17 to 7A. Perfect. ये interest का component है. ये मैंने first financial year का बात किया. Second financial year अभी हम लोग देखते हैं. अभी इसका PC कितना होगा? वो PC तो same होगा because salary में कुछ भी change नहीं हुआ है. So my PC will remain the same in the next financial year also. That is 27,600. Perfect. उसके बाद PC1 याद करना, लास्ट ईयर का PC1 क्या था, लास्ट ईयर का PC कितना था, सेम था. ये देख, PC1 इज लास्ट ईयर का PC, मतलब लास्ट ईयर का PC इज 27,600. लास्ट ईयर का TP1 इज लास्ट ईयर का TP, मतलब लास्ट ईयर का टैक्सेबल परक्विजिट, मतलब ये कितना था, 1261. बराबर, एकदम परफेक्ट. उसके बाद मेरे पास R नहीं है, R कंप्यूट करना है. R इज व्हाट, सेम वैसे ही कंप्यूट करो, I अपॉन F एवरेज. I मतलब इंटरेस्ट. इंटरेस्ट भी कैसे करोगे, अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का ओपन क्लोजिंग से माइनस माइनस करते जाओगे. नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग कितना है, 94,57,700 माइनस 7,77,600 माई कॉन्ट्रीब्यूशन, 7,77,600 एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द ओपनिंग बैलेंस. ये कैसे ओपनिंग मिला, बिकॉज लास्ट ईयर का क्लोजिंग इज ये साल का ओपनिंग, तो ये ओपनिंग मिला. सो आई विल गेट द फिगर ऑफ 7,55,800 एज आई. उसके बाद आता है एफ एवरेज. एफ एवरेज इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू. ओपनिंग इज 71,46,700 प्लस 94,57 अपॉन टू. आई विल गेट द फिगर एज 83,02,200. And this is how I will get the figure of R. R is what? 7,55,800 upon 83,02,200. I will get the figure of 0.0910. तो ये साल में जब मैं सब्सटीट्यूट करूंगा फिगर्स, वो फिगर्स डालूंगा फर्स्ट PC. ये साल का PC कितना है, 27,600 upon 2 इजी है. ये साल का R कितना है, ये साल का R is 0.0910. ये साल का R है. Okay. उसके बाद प्लस ऐड करूंगा मैं लास्ट ईयर का PC1, मतलब बेसिकली ये साल का हम लोग ने PC1 जो आइडेंटिफाई किया है, ये 27,600. तो ये मैं इधर डाल दिया. प्लस TP1 कितना है, TP1 इज 1261 और इसमें भी एक्चुअली इनटू आर इधर भी करना 0.0910.
0910. अभी ये सब कंप्यूट करने के बाद यू विल गेट द फिगर ऑफ 3882. एंड दिस इज हाउ वी आर डन विथ द रिविजन ऑफ सैलरीज. आई नो थोड़ा सा लेक्चर स्ट्रेच हुआ, बट आई वॉन्टेड टू कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो. यू नो आई ऑलवेज बिलीव दैट इफेक्टिव स्टडी इज बेटर दैन अ क्विक स्टडी. एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है. एंड जस्ट वन थिंग, आफ्टर लिसनिंग टू दिस और वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, प्लीज 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 सॉल्व सर्टन सम्स ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज. बिकॉज प्लीज ये चैप्टर पढ़ के मत जाना, यू विल गो ब्लैंक इन द पेपर बिकॉज यू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द पर्टिकुलर क्वेश्चन. प्लीज ये दो तीन क्वेश्चन एटलीस्ट समझ लेना कि कैसे सॉल्व करना है. एक बार तुझे हैंग समझाना, तुझे एक एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने आ जाएगा. आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम द क्वेश्चन, बट एक बार हाथ के नीचे से जाना इंपॉर्टेंट है, खुद के मिस्टेक्स समझना इंपॉर्टेंट है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. See you and take care.